प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस चर्च सर्विस में। और प्रभु ने जो आज वचन दिया है, मेरा विषय है समयों को और ऋतुओं को समझे। जो भी समय में से दुनिया और हम सब पसार हो रहे हैं, इन सारी बातों में और हमारे जीवनों में भी मैं कुछ बातें बताऊंगा मेरे लाइफ से, और जैसे जैसे बाइबल में भी अलग अलग लोगों के जीवन में कैसे उन्होंने समय को समझा, समय को परखा, और बाइबल इस विषय में क्या बताती है, कैसे वो बातें उनके लिए आशीष का कारण बनी। समय जो है वो आपके और मेरे लिए आशीष भी बन सकता है और वो शाप भी बन सकता है। यदि हम समय को ना समझे तो वो शाप भी बन सकता है। तो कैसे अलग अलग लोगों ने अपने जीवन में समयों को समझा, और वो सारी बातें बाइबल में दी गई है कि हम भी उनसे सीखे और हमारे जीवनों को हम अच्छा और वैल्यूएबल बना सके, इस दुनिया को हम कुछ दे सके। और हर एक चीजों के साथ समय जुड़ा हुआ है। आज प्यारो दुनिया में 7.9 बिलियन, 790 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस संसार में आज जिंदा है। और हर एक लोगों को एक ही चीज जो सामान्य दी गई, हर एक के पास यदि कुछ है तो वो है समय। हो सकता है हमारी हाइट अलग हो, हमारी सोच अलग हो, हमारे वेट अलग अलग है, हम सबका घर और परिवार अलग अलग है, हम अलग अलग संस्कृति में से आते हैं, हर एक की जो सोच है, जो बिलीफ सिस्टम है, वो भी अलग अलग है, वहां से हम आए हैं। संसार में कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई छोटा या कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, काला है। चाहे हम किसी भी प्रदेश में रहते हो, कहीं पे भी हम रहते हो, चाहे कोई अमेरिका में रहता है, चाहे कोई लंदन में रहता है, चाहे कोई भारत में रहता है, चाहे कोई अहमदाबाद में रहता है, किसी भी कस्बे और किसी भी प्रदेश में आप रहते हो, पर हर एक के पास 24 आवर्स है, 24 घंटे हर एक के पास है। जो चीज आपको और मुझे एक दूसरे से अलग या वैल्यूएबल, आज किसी गांव में यदि कोई भी व्यक्ति कितना भी माइक लगाकर चिल्ला चिल्ला कर बोले, हो सकता है उनको कोई ना सुने, पर आज यदि बिल गेट्स कोई एक स्टेटमेंट दे तो पूरी दुनिया उसको सुनेगी। आज इलोन मस्क यदि कुछ बोले तो पूरी दुनिया उसको सुनेगी। आज यदि चाहे बेनी हिन सर या आत्मिक जगत की बात करें तो कोई भी प्रभु का बड़ा दास यदि कुछ बोले तो उस फेथ में विश्वास रखने वाले, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले बहुत सारे लोग उनको सुनेंगे। क्यों? दे हैव मेड देयर लाइफ वैल्यूएबल। उन्होंने अपने जीवन को कीमती, बहुमूल्य बनाया है, अपने जीवन में जो समय उनको मिला था उस समय का सदुपयोग करके, अच्छा उपयोग करके। तो जो चीज आपको और मुझे और इस संसार के कोई भी लोगों को विशेष या अलग बनाती है वो है आप अपने समय का कैसे उपयोग करते हैं। और समय में भी बहुत कुछ हम करते हैं हमारे जीवन में, सुबह से लेकर शाम तक, पर क्या हम राइट चीज राइट समय पे करते हैं, सही चीज सही समय पे करते हैं? हाउ टू यूज द टाइम दैट वी हैव गॉट इन दिस अर्थ, इस दुनिया में, इस सृष्टि पर जो समय हमें मिला है उसका हम कैसे उपयोग करते हैं? कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को, जो भी संसार में है, हर एक व्यक्ति को समय एक उपहार के रूप में दिया है, एज अ गिफ्ट। चाहे आपकी कोई भी डिसेबिलिटी हो, चाहे आप कुछ भी सोचते हो, चाहे आपके पास कुछ ना हो, कोई गरीब परिवार में जन्मा हो या कोई अमीर परिवार में जन्मा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर ने समय हर एक व्यक्ति को एक समान दिया है। अब मेरे साथ निकालिए सभोपदेशक की किताब, उसका तीसरा अध्याय, सभोपदेशक
उसका तीसरा अध्याय और पहली आयत, ये चैप्टर आप निकाल कर रखिएगा। हम पहली आयत से 12 आयत तक सब कुछ देखने वाले हैं, पर अभी हम निकालेंगे सभोपदेशक उसका तीसरा अध्याय और पहली आयत। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। यानी कि इस संसार के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, हर एक चीजों का एक समय है। हमारे पहले जो पीढ़ियां बीत चुकी उसमें जो हुआ वो समय था, हमारे समय में जो हो रहा है और आने वाले समय में फ्यूचर में भी जो होने वाला है, तो कई चीजों का, हर एक चीज का एक स्पेसिफिक नियुक्त समय है। यदि आप और मैं समय को नहीं समझते, यदि आप और मैं समय को नहीं समझते हैं कि यह कौन सा समय है, हम कौन से समय में जी रहे हैं, या व्यक्तिगत यदि हम बात करें तो हम, मेरी व्यक्तिगत लाइफ, आपकी व्यक्तिगत लाइफ, उसमें आप कौन से फेज में से, कौन से समय में से पसार हो रहे हो, यदि आप वो नहीं समझते हैं, आप नहीं समझ पाओगे कि आपको उस समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यदि आप समय को बिना समझे ही कुछ करते हो तो यह तय है कि आप गलत कर रहे हो। मैं फिर से दोहराता हूं, यदि आप समय को नहीं समझते हो और समय को ना समझ कर बिना समय को समझे हुए यदि आप कुछ भी तय करते हो और कुछ भी करते हो, क्योंकि आपने समय को नहीं समझा है इसलिए आप गलत कर रहे हो। मेरे जीवन का एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। जब मैं कॉलेज काल में था, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरे परिवार की बचपन से काफी सारे लोग मेरे जीवन के विषय में जानते हैं, तो मेरी परिस्थितियां ही ऐसी थी कि मुझे पढ़ाई करने के लिए मुझे काम करना पड़ता था। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया था कि जो भी टैलेंट दिए थे, मैं कई चीजें बेचता था और वो बेचकर जो भी पैसा आता था उसको मैं मेरी पढ़ाई में लगाता था। तो मेरे कॉलेज के सेकेंड ईयर में मैं एक वॉशिंग पाउडर कंपनी का प्रमोशन कर रहा था, उसको बेच रहा था, और उनसे जो पैसे आते थे वो मेरी पढ़ाई में मुझे सपोर्ट करती थी। मेरे बहुत सारे दोस्तों को वो नहीं पता था, पर एक दिन मैं हॉस्टल में रहता था उस समय, और एक दिन जो फादर इंचार्ज थे उस हॉस्टल के, उनको पता चला तो उन्होंने मुझे बुलाया, और मुझे बुलाकर एक ही सेंटेंस उन्होंने कहा, क्योंकि वो मुझे जानते थे, अच्छे से जानते थे कि ये मेहनती लड़का है, होशियार लड़का है। उन्होंने और कुछ मुझे ना मेरे पर चिल्लाया ना कुछ बोला, उन्होंने एक ही सेंटेंस मुझे बोला, बोने के समय में काटो मत। एक ही सेंटेंस उन्होंने मुझे बोला, दे आर वेरी स्मार्ट। वो बहुत सालों तैयार होते हैं और बाद में वो सेवकाएं करते करते ही बहुत साल उनको लोगों के बीच में अलग अलग चीजों के, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रखा जाता है, और बाद में चर्च की और सारी जिम्मेदारियां उनको दी जाती है। बहुत होशियार होते हैं फादर्स लोग। तो उन्होंने एक ही सेंटेंस मुझे बुलाकर कि हितेश, बोने के समय में काटो मत। मैं समझ गया कि फादर क्या कहना चाहते थे। इस वाक्य ने, इस सेंटेंस ने मेरी सोच को बदल दिया, मेरे उस दौर के समय को बदल दिया, मेरे कार्यों को बदल दिया कि बोने के समय में काटो मत। यानी कि जिस समय पर मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, मुझे 100% मेरी पढ़ाई पे देना चाहिए था, हालांकि वो मेरी मजबूरी थी, या वो शायद हो सकता है सभी को ना पता हो, फादर को पता था, फिर भी वो जानते थे, वो चाहते थे कि मैं पढ़ाई के ऊपर मेरा 100% दू, मेरा ज्यादा समय मैं पढ़ाई के ऊपर दू। काम करना, वो समय अभी नहीं आया है, वो काम करने का और एक समय है, काटने का समय दूसरा है, ये नहीं है। ये समय है कि आप अपने जीवन में, आपकी लाइफ में आप बोए, ताकि समय आने पर जब काटने का समय आए तो आप अच्छी कटनी काट सको। और इस सेंटेंस ने मेरे जीवन को, मेरी सोच को बदल दिया कि बोने के समय में काटो मत।
और उसी समय से मैंने जो मैं काम करता था वो स्टॉप कर दिया। उससे मुझे बड़ी कठिनाई हुई, पर ग्रेजुएशन खत्म मेरा हुआ और जैसे ही मैंने मास्टर्स शुरू किया, मेरे मास्टर्स में इस सोच ने, इस सेंटेंस ने मेरी बड़ी बड़ी मेहनत की, बड़ी बड़ी मुझे इट हैज बेनिफिटेड मी अ लॉट। उन्होंने मेरी सारी बहुत सारी मदद की इस सेंटेंस ने कि बोने के समय में काटो मत। हालांकि मुझे बहुत सारी कठिनाइयां उठानी पड़ी, मेरे मास्टर्स की फीस भी मेरी बुआ ने मुझे गोल्ड चेन दी थी, वो चेन बेचकर मुझे मेरे मास्टर्स की फीस भरनी पड़ी। मास्टर्स में पढ़ाई किया, पर प्यार हो मैंने मास्टर्स में आई वॉज वन ऑफ द टॉपर्स इन माई क्लास। जब मैंने मास्टर्स खत्म किया 69% के साथ मैंने मास्टर्स खत्म किया, और मैं और मेरा दोस्त हम दो ही थे। हालांकि किसी ने डिस्टिंक्शन के साथ मास्टर्स पूरा नहीं किया, मैं और मेरा एक दोस्त था, हम दोनों ही कुछ मार्क्स के कारण मास्टर्स को डिस्टिंक्शन में खत्म करने में चूक गए। हम फर्स्ट क्लास से पास हुए, सिर्फ कुछ मार्क्स के लिए हम डिस्टिंक्शन को चूक गए। पर यदि उस समय में वो फादर ने मुझे ये सलाह ना दी होती, मुझे ये बात ना कही होती कि अपने समय को पहचानो कि आप अभी कौन से समय में जी रहे हो, ये आपका पढ़ाई का समय है और इम्पोर्टेंट पढ़ाई का समय है। आप कोई 5वीं 7वीं कक्षा में नहीं हो, आप कोई 8वीं 9वीं कक्षा में नहीं हो, आपका ग्रेजुएशन और आपका मास्टर्स तय करेगा कि आपका करियर कैसा बनेगा। बोने के समय में काटो मत। मेरा वो समय बोने का समय था, काटने का समय नहीं था। काटने का समय मतलब कमाई करने का समय कब आएगा, जब मैं मेरी पढ़ाई को खत्म करूंगा और जॉब स्टार्ट करूंगा, मेरी जॉब लगेगी और कुछ अनुभव के बाद मैं बिजनेस करना चाहता था तो मैं बिजनेस करूंगा, वो मेरे काटने का समय था। पढ़ाई के समय वो मेरे काटने का समय नहीं था। और इसी कारण, इस सेंटेंस के कारण मैं अच्छी पढ़ाई कर पाया और अच्छे से मेरे जीवन को, मेरे करियर को मैं बना पाया उस समय में। हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को यदि हम देखें। प्रभु यीशु मसीह समय को बहुत ही समझते थे, परखते थे, और हालांकि उन्होंने अपने शिष्यों को भी ये बातें बताई थी। प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल तक सेवकाई की शुरुआत नहीं कही करी। बहुत सारे स्पिरिचुअल नियम भी उसके साथ जुड़े हैं, रब्बियों के नियम भी, यहूदी लोगों के नियम भी उसके साथ जुड़े हैं। और एक इंसान जब 30 साल की एज पर आता है तब उसको परिपक्व माना जाता है, मैच्योर्ड माना जाता है, और रब्बी होने के लिए और लेवी याजक जो लोग थे उनको यदि मंदिर के अंदर काम करना है तो 30 साल के बाद ही वो कर सकते हैं। वो नियम था क्योंकि उनके साथ बहुत सारी फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों बातें जुड़ी हुई है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी 30 साल के बाद उनकी सेवकाई शुरू की। वो ऐसे ही नहीं 30 साल वेट किया, बहुत सारी बातें उनके साथ जुड़ी हुई है। 30 साल तक वेट किया क्योंकि उनका समय अभी आया नहीं था। तो वो 30 सालों में उन्होंने क्या किया, नियम शास्त्र की बातों को पढ़ा, प्रोफेसियों को पढ़ा, भविष्यवाणियों को पढ़ा कि क्या क्या उनके जीवन में पूरा होना चाहिए, और नियुक्त समय पर। ऐसा नहीं कि 12 साल की उम्र में सब कुछ पूरा कर दे, ऐसा नहीं कि 25 साल की उम्र में सब कुछ पूरा कर दे। जो जो भविष्यवाणियां उनके विषय में लिखी गई थी उनको उन्होंने पढ़ा, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे वो 100% मनुष्य थे, वो 100% परमेश्वर थे, उसके साथ साथ वो 100% मनुष्य भी थे। तो उन्होंने उस बातों को पढ़ा, उन बातों को समझा, नियम शास्त्र को पढ़ा, समझा कि 30 साल के बाद उनका जो बाहरी जीवन है, लोगों के बीच का जीवन है, जो सेवकाई का जीवन है, उसमें उनको क्या क्या पूरा करना है और कितने समय में पूरा करना है, कौन सा समय आने पर पूरा करना है। यूहन्ना 2 और 4 यदि हम पढ़े तो वहां पर वो पूरी घटना आपको पता है, काना धाम का लग्न प्रसंग है ना। एक विवाह था और विवाह भोज में दाखरस कम पड़ता है, कम हो जाता है, और यीशु की माँ मरियम यीशु के पास आती है और वो कहती है कि जो विवाह के जो होस्ट है, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया है, यजमान जो है, उनको ये दिक्कत है कि अभी दाखरस नहीं रहा है, कूट चुका है, कम पड़ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को क्या कहा, उनकी माँ को क्या कहा, देखो अब वो बाहरी जीवन में आ गए,
उनकी सेवकाई शुरू हो चुकी है। हो सकता था कि वो उनको माँ कहते, पर इस समय पर जो घटना हो रही है उसमें वो कहता है, यूहन्ना 2:4 में यीशु ने उनको उत्तर दिया और कहा, हे महिला, क्यों मम्मी नहीं कहा, हे महिला मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय आया नहीं है, अभी मेरा समय नहीं आया। वो समय को जानते थे, पर फिर भी हो सकता है उसके बाद उन्होंने परमेश्वर से, क्योंकि वो कांस्टेंट प्रभु यीशु पिता के साथ बातचीत करते थे, जो भी घटनाएं होती थी वो रात रात भर प्रार्थनाएं करते थे, क्योंकि दूसरे दिन क्या होना है, क्या करना है, वो उनको वहां पर मिलता था, क्योंकि वो इस संसार में 100% मनुष्य थे, इसीलिए उनको प्रार्थना करनी पड़ती थी, इसीलिए वो परमेश्वर के साथ जुड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर नियुक्त चीजें पूरी करनी थी। प्रभु यीशु मसीह को कई बार मार डालने की कोशिश की गई, प्रभु यीशु को कई बार मार डालने की कोशिश की गई, और वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु उन लोगों के बीच में से चला गया। एक जगह पर लिखा है कि वो अलोप हो गया, मतलब अचानक से गायब हो गया लोगों के बीच में से, क्योंकि लोग उनको मार डालने वाले थे, पत्थर से मारने वाले थे, पहाड़ पर से गिरा कर मार देने वाले थे, पर उस समय पर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के बीच में से चले गए। मेरा और आपका प्रश्न यह है, क्योंकि हम सभी कई बार सुनते हैं और प्रचार भी करते हैं कि प्रभु इस संसार में एक ही इंसान इस संसार में आया, जो मरने के लिए आया, बलिदान होने के लिए आया। हर एक बच्चा जन्म लेता है जीने के लिए, पर जब प्रभु यीशु मसीह एज अ चाइल्ड, एज अ बच्चा जन्म लिया, तो उन्होंने मरने के लिए जन्म लिया था, इस संसार के लिए, उस संसार के पापों के लिए मरने के लिए जन्म लिया था। पर फिर भी जब लोग उनको उस समय से पहले मारने के लिए आए, वो वहां से निकल गए, वो वहां से गायब हो चुके, क्योंकि वो समय को जानते थे कि ये समय अभी नहीं आया है, वो बलिदान का समय अभी नहीं आया है। मान लो कि वहां पर कुछ हो जाता और यीशु मसीह के साथ, क्योंकि वो इस संसार में 100% मनुष्य थे, हालांकि कोई उसको मार नहीं सकता, क्योंकि वो डिविनिटी उनके अंदर है, पर फिर भी उन्होंने उस समय की राह देखी। जब वो समय आया तब उनका क्रूसीय बलिदान हुआ, और कैसे बलिदान होना है वो भी उनको पता था, वो समय को परखते थे, इसीलिए उन्होंने उस समय को आने दिया। और जब वो समय आ गया, पतरस ने उनको रोकने की कोशिश की, प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों को कि मुझे यरूशलेम जाना है, बाइबल कहती है, बाइबल लिखती है कि उनका मुख यरूशलेम की ओर था, क्यों, क्योंकि समय आ चुका था, अभी वो समारिया में नहीं रह सकते थे, अभी वो उस समय के किसी भी सृष्टि के किसी भी प्रदेश में नहीं रह सकते थे, क्योंकि समय आ पहुंचा था कि उनका बलिदान होना है, वो क्रूसीय बलिदान होना है, और इसीलिए बाइबल लिखती है कि उनका मुख यरूशलेम की ओर था, उनका फेस यरूशलेम की ओर था, उनकी निगाहें यरूशलेम की ओर थी, क्यों, क्योंकि यरूशलेम को जाकर शास्त्री और फरीशियों के हाथों से बहुत सारी ताड़ना, दुख उनको सहना था, और वो सारी बातें उन्होंने चेलों को बताई कि हम यरूशलेम जाएंगे, मैं जा रहा हूं, और वहां पर मेरे ऊपर संकट आएंगे, मुझे दुख दिया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, और मुझे मार दिया जाएगा, पर तीसरे दिन मैं फिर से जी उठूंगा। ये उनको समय का पता था, पर उस समय पर पतरस ने उनको रोकने की कोशिश की, नहीं नहीं प्रभु, ये आपके साथ हरगिज ना हो। वहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे शैतान, मेरे पीछे जा। कोई चीजें अभी उनको नहीं रोक सकती थी, क्यों, क्योंकि वो समय को जानते थे, परखते थे कि अभी मेरा बलिदान होने का समय आ पहुंचा है। परमेश्वर ने हर एक चीजों को अपने समय में सुंदर बनाई है। एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है, जब मैं प्रार्थना करना कर रहा था, इस वचन के लिए तैयार कर रहा था, ये ने मेरे अंदर रख प्रैक्टिकली आपकी आत्मिकता को प्रैक्टिकली उपयोग करें, चाहे कितनी भी मैं बात करूं कि बिलीव इन वर्ड, वचन पे विश्वास करो,
प्रभु हमेशा हमारे साथ है, पर जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तब हम क्या करते हैं, तब वो स्पिरिचुअलिटी कहाँ जाती है, तब वो आत्मिकता जो हमने सीखा है, जो हमारे अंदर है, वो कहाँ जाती है। हमें सोचना पड़ेगा कि यदि परमेश्वर ने कहा है कि मैं सदा तुम्हारे संग हूं, मतलब कि वो सदा मेरे संग है, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, चाहे कितने भी दुख में से मुझे गुजरना पड़े, आखिर में सारी बातें मेरे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेगी। यूज योर स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकली, अपनी आत्मिकता को प्रैक्टिकली उपयोग करें। परमेश्वर ने हर एक चीजों को अपने समय में सुंदर बनाया है, और जब समय आ गया तो प्रभु यीशु मसीह खुशी खुशी यरूशलेम को गए और वहां पर उनका बलिदान हुआ। इज़राइल के विषय में आज भी हम देखते हैं, सुनते हैं, और उनकी यदि हिस्ट्री भी हम देख ले, अच्छा समय, बुरा समय, हर एक समय आया, पर आज के समय में इज़राइल इज ऑन टॉप। वो यदि इस समय की पृथ्वी की, इस समय की सृष्टि की हम बात करें तो लोग कहते भी है कि इज़राइल को कोई बीट नहीं कर सकता है। वो टेक्नोलॉजी में आगे है, हालांकि वो सारी टेक्नोलॉजी उनका परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया है उस तरीके से वो पृथ्वी पर बांटते हैं। प्यारो, आप कुछ भी यूज करते हैं टेक्निकली, टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी यदि आप यूज करते हो, आपका फोन हो गया, ये ईयरफोन्स हो गए, एयरबड्स हो गए, कंप्यूटर, कंप्यूटर का प्रोसेसर, कुछ भी यदि आप यूज करते हो, वो ओरिजिनली इज़राइल ने बनाया। पर क्योंकि इज़राइल को बहुत सारे दुनिया के, आधी दुनिया के देश पसंद नहीं करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज में, क्योंकि वो धर्म से जुड़ा है इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता, पर बहुत सारी कंट्रीज उनको पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए द गॉड हैज गिवन देम विजडम, और वो अमेरिका से, दूसरे किसी लोगों से, कोई कंपनी से वो उस टेक्नोलॉजी को बेचते हैं। दे आर यूजिंग दैट विजडम, वो बुद्धि को यूज करते हैं, और पूरी दुनिया में इसीलिए पैसा उनके पास जाता है इजीली, इसीलिए इज़राइल आज समृद्ध है, आज भी सब चीजों में नंबर वन है इज़राइल, क्योंकि वह समयों को समझते हैं। एक रेफरेंस हम निकालना चाहेंगे, पहला इतिहास, उसका 12 अध्याय और 32वीं आयत। पहला इतिहास, उसका 12 अध्याय और 32वीं आयत। इज़राइल समय समय पर क्यों हमेशा अव्वल रहता है, क्यों वो एक नंबर रहता है, क्यों वो लड़ाइयों को जीतता है? पहला इतिहास चैप्टर 12 और 32वीं आयत। इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है, फिर से पढ़ता हूं, इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। इज़राइली लोग में से जो कुछ लोग थे, एक स्पेशल इस्साकारी लोग, है ना, इस्साकारिया, उनको वो समय को पहचानते थे, और दूसरे जो उनके भाई लोग थे, मतलब अन्य कुल के लोग, तो वो उनकी बातों को मानते थे। जो समय को पहचान चुके हैं, जो समय को पहचानते थे कि क्या करना उचित है और क्या करना उचित नहीं है इस समय में, बाकी के सारे भाई लोग उनकी मानते थे, क्योंकि वो समय को पहचानते थे और समय के अनुसार वो सुझाव देते थे, और जो सुझाव आते थे उसके अनुसार सारी योजनाएं और रणनीतियां बनती थी, और बाद में वो लोग युद्धों को जीतते थे, वो अपने आप में समृद्ध होते जाते। और प्यारो, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी इजरायली लोग हर एक चीजों में नियम शास्त्र को फ्रंट में रखते हैं। ठीक, एक गलती मैं उसको कहूंगा जो इजरायली लोग नहीं समझ पाए, और वो है मसीहा का आगमन। पर उनके लिए बाइबल में बातें लिखी है कि वो सुनते हुए सुनकर समझ नहीं पाएंगे, और देखते हुए देखकर देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। पर उनमें से बहुत सारे, जितनों ने भी उसके ऊपर विश्वास किया उनके लिए अनंत जीवन है, जितनों ने विश्वास नहीं किया उनके लिए अनंत कालिक दंड वो आ रखा है। तो वो सारी बातें, वो देखो, ये एक
सेपरेशन हर एक जगह पर है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दो मार्ग है, एक मार्ग जो चौड़ा है, वहां बहुत सारे लोग जानते हैं जाते हैं और वो मार्ग मृत्यु की ओर ले जाता है, और एक मार्ग जो सकड़ा है जो जीवन की ओर ले जाता है, और उस मार्ग पर बहुत कम लोग जाते हैं। तो सेपरेशन हर एक जगह पर, तो इसीलिए बहुत सारी चीजों में, और सबसे पहली बात मसीहा को समझने के लिए, मसीहा के आगमन को समझने में कई सारे इजरायली लोग निपल रहे, पर बहुत सारे जानते हैं जो समय को पहचानते थे कि क्या करना उचित है, वो समय राइट समय पर राइट डिसीजन लेते हैं। यदि आप जीवन को समझना चाहते हैं, जीवन को समय से नापा जाता है ना, तो समय जो आपको और मुझे मिला है, उस समय का हम जैसे उपयोग करेंगे वैसा ही हमारा जीवन बनेगा। अब मेरे साथ निकालिए गीत शास्त्र भजन संहिता उसका 90वां चैप्टर, चैप्टर 90 और 10वीं और 12वीं आयत। भजन संहिता 90 चैप्टर और उसकी 10वीं और 10 से 12 हम पढ़ते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? 12वीं आयत, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। देखो, इट्स अ प्रेयर, ये प्रार्थना के रूप में यहाँ पर अभी बात हो रही है। हमको, आप बोल सकते हो कि मुझे, हे प्रभु मुझे मेरे दिन की गिनती की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमको हमारे दिन के दिन गिनने की समझ दे, यानी कि समयों को परखने की समझ दे, मेरे पास कितना समय है इस पृथ्वी के ऊपर। प्रभु मुझे समझ दे, मुझे समय की समझ दे, ताकि समय का मैं अच्छे से उपयोग करूं। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। यदि आप समय को परख सकते हो तो आप बुद्धिमान हो, आप समय को परख सकते हो तो आप बुद्धिमान हो, क्योंकि आप सही समय पर जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में आप राइट डिसीजन लेंगे, और जो उचित नहीं है वो आप नहीं करेंगे। जैसे उस फादर ने मुझे कहा कि बोने के समय में काटो मत, क्योंकि वो बोने का समय था, वो मेरी पढ़ाई लिखाई का समय था, मेरे सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर मुझे ध्यान देने का समय था, मुझे अपने टैलेंट्स को उभारने का समय था, मुझे पढ़ाई लिखाई कर मेरी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने का समय था, मेरी सोच को एक लेवल पर ले जाने का समय था। वो बोने का समय था, और उस समय पर मैं बोने के साथ साथ काट रहा था। सोचो, आप बो भी रहे हो और आप काट भी रहे हो, क्या वो फसल बड़ी हो पाएगी? अगर बड़ी ही नहीं हो पाएगी, वो फसल कैसे देगी, वो अनाज कैसे देगी? बोने के समय में काटो मत। जो काटने का समय है उस समय पर कटनी होती है, जो बोने का समय है उस समय पर बोया जाता है। हे प्रभु मुझे मेरे दिनों की गिनती की समझ दे, ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं, ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। अय्यूब की किताब उसका 14वां चैप्टर और 5वीं आयत। अय्यूब की किताब उसका 14वां चैप्टर और 5वीं आयत। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, मतलब कि मनुष्य का आयु, मनुष्य का समय इस पृथ्वी के ऊपर वो नियुक्त किया गया है। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। मतलब कि मनुष्य के पास इस पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है वो नियुक्त है, परमेश्वर ने नियुक्त किया है। मनुष्य
आप और मैं जब हमने जन्म लिया, ये पहले भी मेरा एक मैसेज है उसमें मैंने समझाया है कि जीवन क्या है। तो जिस दिन आप इस सृष्टि के ऊपर जन्म लेते हैं, आपके लिए समय तो चलता जाता है, पर आपका समय जिस साल, जिस दिन, जिस महीने में और जिस समय पर, मान लो कि 8:10 पर यदि आपका जन्म हुआ, आपकी बर्थ डेट, और जिस समय पर आपने जन्म लिया वहां से आपका जीवन शुरुआत हुआ। और जिस दिन, अभी तो हम नहीं कह सकते कि शायद हम मर जाए, पर दोनों ऑप्शन है, या तो प्रभु का आगमन या फिर मृत्यु होना। तो इन दोनों में से जो भी पहला होगा वो आपका इस पृथ्वी के ऊपर का जीवन है, इस सृष्टि के ऊपर का फिजिकल लाइफ, वो वही है आपके जीवन और मृत्यु के बीच का समय। इटर्नल लाइफ भी है, मतलब अनंतकालिक जीवन भी है, पर फिजिकली इस पृथ्वी के ऊपर हमारा जो जीवन, हमारा जो समय हमारे पास है, जीवन और मृत्यु के बीच का समय, वो हमारा जीवन है। यदि जीवन को समय से नापा जाता है, तो इस जीवन काल में आपके आपको मिले गए समय की बर्बादी, वो आपके जीवन की बर्बादी। मैं फिर से दोहराता हूं, यदि जीवन को समय से ही नापा जाता है, तो इस जीवन काल में आपको मिले हुए समय की बर्बादी, वो आपके जीवन की बर्बादी है। कई सारे लोग, क्या रो समझो, जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है उनको सही रीति से उपयोग करो। बहुत सारे लोग ऑनलाइन गेम्स में लगे रहते हैं, क्यों? क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, धीरे धीरे सब खुल रहा है, पर जो भी समय था हमने ऑनलाइन गेम्स में लगा दिए। हो सकता था कि उस समय को आप नई चीजें सीखने के लिए भी लगा दो, हो सकता था आप बहुत सारी चीजों को समझो, सीखो, पढ़ाई करो, बुक्स पढ़ो, अपने आप को, अपनी मेंटल एबिलिटी को डेवलप करो, अपने टैलेंट्स को डेवलप करो। जैसा परमेश्वर आपके हृदय में पवित्र आत्मा बात करता है, जो आपको सीखना चाहिए उन चीजों को सीखने में आप समय दे सकते थे। और बहुत सारे बच्चे, आप तो हम बच्चे नहीं बोल सकते, बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी घंटों तक गेम्स खेलते हैं। और आज दुख की बात है कि ऐसी गेम भी आ गई जहां पर पैसों का लालच दिया जाता है कि आप इतना अवर्स गेम खोलो, ये गेम खेलो और आपको पैसे मिलेंगे, वो गेम खेलने के सामने आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे। प्यारो, क्यों वो पैसे दे रहे हैं? समझो, समझो बातों को, क्यों गेम खेलने के पैसे दे रहे हैं आपको? आपका समय जा रहा है, जो करना चाहिए आपके जीवन में आप नहीं कर पाओगे, आपका पूरा समय वो गेम के पीछे चला जाएगा, आपका पूरा समय वो यूट्यूब पे जो मूवीज देखते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो सीरियल्स देखते हैं, सास बहू में से अभी तक जो बाहर नहीं आए है ना, आपका समय बस उसी में जाएगा, सास बहू, हंसना, रोना और रोते ही रहना, उनको देखकर आप भी रोते हो। और वहां पर जो जब मैं लोगों के घर जाता हूँ, मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, यदि ऐसा कुछ चल रहा है मैं उनको बोलता हूँ, मुझे किसी का फर्क नहीं पड़ता, मैं सीधा बोलता हूँ, ये देखकर आपके बच्चे और आप क्या सीख रहे हो। कई बार माँ बाप कंप्लेन करते हैं कि देखो ना भैया, ये तो पूरा दिन ये मोबाइल में से बाहर ही नहीं आता, पूरा दिन गेम खेलता रहता है। अगर पढ़ाई करता है तो अच्छी बात है, पर यदि, क्योंकि अभी सब ऑनलाइन है, पर यदि गेम खेलता है, लोग कहते हैं कि पूरा दिन गेम में से बाहर नहीं आता। अच्छा हुआ, बहुत सारी प्रार्थनाओं की वजह से वो पबजी और वो सब में बहुत सारी मतलब वो स्टॉप हो गया, पर उसके सामने दूसरी गेम्स आ गई। बहुत सारी ऐसी गेम्स आई जिन्होंने कई लोगों को, कई बच्चों को, कई बड़ों को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। समय की तो बर्बादी की ही की, पर एक समय आया कि मृत्यु तक वो गेम उसको ले गई, वो उनका समय उस गेम में जाना या ऐसी कोई भी चीजों में जाना। प्यारो, लोगों को सुसाइड के विचार कहाँ से मिलते हैं? क्या आप जन्मे थे तब आपको पता था कि ऐसे सुसाइड भी कोई चीज होती है? कहाँ से देखा, कहाँ से सुना? ज्यादातर मूवीज में सुसाइड करना दिखाया जाता है, किसी ने सुसाइड कर लिया। जो आप देखते हो वो आप सीखते हो, जो आप सुनते हो वो आप सीखते हो। बी केयरफुल व्हाट यू, आप क्या क्या देखते हो और क्या सुनते हो। बी केयरफुल, वी आर लिविंग इन ए पीरियलियस टाइम्स। हम बहुत ही खराब समयों में से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय आपको और मुझे दिखाएगा कि वो क्या है और कैसा है। से मैं आपको डराना और वो नहीं चाहता हूँ,
पर हमें समझना चाहिए। देखो यदि कुछ खुशी की बात यदि आएगी, खुशखबरियां भी आएगी, अच्छा अच्छी अच्छे समाचार भी आएंगे, पर वो सिर्फ और सिर्फ कलीसिया के लिए और विश्वासी लोगों के लिए ही अच्छे समाचार होंगे। इस दुनिया के लिए, वर्ल्ड के लिए अभी से कोई अच्छे समाचार नहीं होंगे। आई रिपीट, दुनिया के लिए कोई भी अच्छे समाचार आने वाले समय में नहीं आएंगे। यदि खुशखबरी और अच्छा समय आएगा तो सिर्फ और सिर्फ कलीसिया के लिए, क्योंकि जो अंत के समय की बेदारी जो आने वाली है वो अभी बाकी है। यदि अच्छा समय यदि आएगा, वो भी परसिक्यूशन के बाद या परसिक्यूशन के साथ, तो वो सिर्फ और सिर्फ कलीसिया के लिए या विश्वासियों के लिए आएगा। दुनिया के लिए कोई भी खुशी खबरी नहीं आएगी। हो सकता है वो शांति की बातें वो थोड़े समय के लिए हो, पर बाद में तो वो अपना चेहरा या अपना असली रूप दिखाएगा जब वो समय आएगा तब। यदि आप अपने समय को वेस्ट करते हो तो आप अपने जीवन को वेस्ट करते हो, और वेस्टेड टाइम इज अ वेस्टेड लाइफ। समय को बर्बाद करना मतलब कि अपने जीवन को बर्बाद करना। टाइम विदाउट पर्पस इज लाइफ विदाउट मीनिंग। बिना उद्देश्य का समय का जाना वो आपके जीवन को कोई भी काम का नहीं रखेगा। अपने जीवन पे जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे और हर एक चीजों को बनाया है, वो उसने पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक जगह पर वो बातें हम आगे देखते हैं, फिर भी ये अभी मुझे याद आया, मैं बता देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जब एक अंजीर के पेड़ के पास आए और वहां पर वो पूरा हरा भरा था, पर उसके ऊपर फल नहीं था, क्योंकि वो अभी परिपक्व हो चुका था कि उनको फल देना चाहिए, पर क्योंकि ये समय के बाद भी अभी तो उनको उनका फल देने का समय था, फिर भी वहां पर फल नहीं देखा। प्रभु ने उसे उसी समय नष्ट कर दिया, साफ दिया, और वो सूख गई। यही होगा न्याय आने वाले समय में। जब न्याय होगा, हमारे जीवन को हमने कैसे जिया है, क्या हमारे जीवन के उद्देश्य को हम पूरा कर पाए हैं, वही है न्याय प्यारे। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ नहीं आपने जीवन को कैसे जिया, अच्छा जिया, पर जिस उद्देश्य के साथ आपको और मुझे बनाया गया है वो उद्देश्य को क्या हमने पूरा किया। व्हाट इज टाइम, टाइम क्या है, समय क्या है। परमेश्वर ने समय को बनाया पर मनुष्य को समय में रखा, परंतु वह खुद समय से बाहर रहा। हम उत्पत्ति 1:1 में पढ़ते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना की, और जैसे ही आकाश और सृष्टि की रचना की, एक समय वहां पर शुरुआत हुआ। पर क्योंकि परमेश्वर बाहर है, जब उन्होंने रचना की, उन्होंने सृष्टि की रचना की, तो वो समय में नहीं था। अगर वो समय में है तो वो परमेश्वर नहीं है, है ना। वो समय से बाहर है, इसीलिए उन्होंने आकाश और सृष्टि की रचना की, तो वो समय से बाहर है, वो समय से परे है। परंतु जब मनुष्य को या देवदूतों को या करूबों को, सराफिमों को, या चाहे उसके अलावा किसी भी चीजों को उन्होंने बनाया, तो वो सारी चीजों के लिए एक समय शुरू हो गया। वी लिव इन थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड, वो हम जानते हैं ना, ऊंचाई, गहराई, हम विड्थ, वो सब जानते हैं। टाइम जो हमें मिला है, जो फोर्थ डायमेंशन है, टाइम जो है वो फोर्थ डायमेंशन है, जो सबके लिए समान है। आज कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज, वो समय को यदि क्रॉस कर ले, समय की रफ्तार से आगे जाए, तभी टाइम ट्रैवल पॉसिबल है ना। वरना हम पास्ट में नहीं जा सकते, अभी हम फ्यूचर में नहीं जा सकते फिजिकली, हम जो समय में हम जी रहे हैं वहां पर ही हम जी रहे हैं। इसीलिए हमारे पास्ट को हम बदल नहीं सकते हैं, हमारे फ्यूचर को कैसा होगा वहां पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं जाकर, पर जो प्रेजेंट समय हमें मिला है, हमारा ये जो समय हमें मिला है, उस समय को परख कर हमें यहाँ निर्णय लेना होगा, हमें यहाँ कुछ करना होगा, ताकि हमारा आने वाला भविष्य जैसा परमेश्वर चाहते हैं, और परमेश्वर की योजनाएं भली है, वो हानि की नहीं है। तो जो भली योजनाएं परमेश्वर की है, वो तय करेगी कि वो भली योजना ही हमारे जीवनों में हो और आए, कि हम यहाँ पर सही समय पर सही निर्णय ले। परमेश्वर समय में नहीं है, समय से परे है, इसीलिए वो भूतकाल भविष्य को बाहर से देख सकता है, और इसीलिए वो समय में बदलाव भी कर सकता है, और इसीलिए वो राजा को उनके साल में, उनके जीवन में कुछ साल बाहर है।
वो युद्ध में जब ऐसा समय आया कि उन्होंने समय मांगा कि प्रभु मुझे समय चाहिए, वो समय को रोका गया और फिर उन्होंने वो युद्ध जीत लिया। वो परमेश्वर ही कर सकता है, मैं और आप नहीं कर पाएंगे, पर जो समय हमारे पास है उसमें हमें योग्य निर्णय लेना है सही समय पर, ताकि हम सही मायने में हमारे जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सके। परमेश्वर समय में नहीं है, पर वो समय से परे है। परमेश्वर अंत को शुरुआत ही से देख सकते हैं और इसीलिए वो अपनी योजनाओं को भविष्यवक्ताओं को प्रकट करते हैं, अपने दासों को आपको और मुझे प्रकट करते हैं। आप जब पूछते हो कि प्रभु मुझे क्या करना चाहिए, तो प्रभु आपको विजडम देता है, आपको आपको डायरेक्शन दिखाता है, और उस डायरेक्शन में आपको निर्णय लेना होता है। पसंदगी आपके ऊपर है, चॉइसेस इज योर्स, क्योंकि जीवन और मृत्यु मैंने आपके सामने रखा है, भली बातें और बुरी बुरी बातें मैंने आपके सामने रखा है, दुख और आनंद मैंने आपके सामने रखा है, पर परमेश्वर चाहता है आप भली बातों को पसंद करें, आप जीवन को पसंद करें। व्हाई टाइम, समय क्यों है? सबोपदेशक 3:1 जो हमने अभी पढ़ा, हम फिर से पढ़ना चाहेंगे। हो सकता है आज थोड़ा समय ज्यादा हो, मुझे माफ करना, पर बहुत सारी बातें हैं, मैं सब कुछ तो नहीं कवर कर पाऊंगा, पर जितना भी कवर होता है हम जो इम्पोर्टेंट है वो सीखना चाहते हैं। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। मैं ये पढ़ना चाहूंगा दूसरी आयत से लेकर 9वीं आयत तक, ताकि हम समझे परमेश्वर क्या बातें बताता है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए को उखाड़ने का भी समय, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बढ़ाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है, काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है। बहुत सारे हर एक चीजों का इस सृष्टि के ऊपर नियोजन है, आयोजन है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जब परमेश्वर ने आपको और मुझे ये जीवन दिया है, इस सृष्टि के ऊपर जन्म दिया है, जितना समय हमारे पास है वो ही समय में हमें हमारे उद्देश्य को पूरा करना है। जो काम हमारे लिए रखे गए हैं वो और कोई नहीं करेगा, वो आपको पूरा करना है। पर यदि हम समय को चूक जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, हम गलतियां करते हैं। मैंने भी मेरे जीवन में बहुत सारी गलतियां की है, पर हर एक गलतियों को मैंने सुधारा है, हर एक गलतियों को मैंने जितना हो सके आई हैव ट्राइड अलॉट कि उस गलतियों को मैं रिपीट ना होने दूं। गलतियां मनुष्य से होती है, पर यदि आप रिपीट करते हो तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो। एक इंसान ने कहा था, मैं मुझे अभी याद नहीं है, Whoever forgets the history is responsible for its repetition। मतलब कि जो इतिहास को भूल जाता है वो उनके पुनरावर्तन के लिए जिम्मेदार है। जो इतिहास को भूल जाता है वो उसके पुनरावर्तन के लिए जिम्मेदार है। यदि पिछले साल आपने मेहनत नहीं की, जितने स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, यदि पिछले साल आपने मेहनत नहीं की इसलिए आपके नंबर अच्छे नहीं आए, कुछ कुछ विषयों में आप फेल हो गए, यदि आपने जो गलतियां वहां पर की है कि आपने गेम्स में, मूवी में, सीरियलों में, टीवी देखने में, सिर्फ और सिर्फ खेलने में, खेलना भी जरूरी होता है, खेलने का भी समय होता है और पढ़ाई करने का भी समय होता है, अच्छी बातें या न्यूज देखने का भी समय होता है, पर पूरा दिन न्यूज देखोगे आपको कोरोना ही कोरोना दिखेगा, है ना? तो हर एक जो आपको लेना है उतना लो, जितना स्पेसिफिक टाइम है ना हर एक चीजों के, क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं करना है, वो परमेश्वर की विजडम काम लगती है, वो बुद्धि काम लगती है जो परमेश्वर देता है कि मुझे क्या और कितना लेना है, जो जो बातें संसार में फैलाई गई है उसमें से मुझे क्या लेना है और क्या छोड़ देना है, और परमेश्वर का आत्मा उसमें आपकी अगुवाई करेगा। बच्चे
पिछले साल यदि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, समय का सदुपयोग नहीं किया, नंबर्स खराब आए, कुछ कुछ विषयों में आप फेल हो गए, अगर यही गलती आप इस साल भी दोहराओगे तो वही होगा जो पिछले साल हुआ था। पिछले साल आप फेल हुए या नंबर्स कम आए, चलो पास कर दिया गवर्नमेंट ने, पास गवर्नमेंट ने मुझे दूंगा टीचर होने नहीं, गवर्नमेंट ने पास कर दिया, आगे के 8th स्टैंडर्ड में थे, 9वीं में भेज दिया, अगले स्टैंडर्ड में भेज दिया, पर पिछले साल जो आपने गलतियां की है वो इस साल करोगे तो हर बार ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि आपको हर साल आगे भेजा जाए। गुजरात गवर्नमेंट बहुत अच्छी है प्राइमरी के लोगों के लिए कि वहां एक नियम है किसी को फेल मत करो। बुद्धिमता क्या होगी बच्चों की पता नहीं, पर जो गलतियां आप पिछले साल दोहरा रहे हो वही गलतियां आप अगले साल भी करोगे तो वही परिणाम होगा जो पिछले साल हुआ था। इस संसार में हर एक चीजों के लिए समय नियुक्त किया है और जो कुछ भी बनाया गया है उसके लिए उद्देश्य है, आपके जीवन के लिए उद्देश्य है और उस उद्देश्य को नियुक्त समय में हमें पूरा करना है। यू नीड टू डू सेवरल थिंग्स इन ए स्पेसिफाइड स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफाइड टाइम, आपको एक स्पेसिफिक नियुक्त समय में जो करना चाहिए वो चीजें करनी पड़ेगी, वो बातों को आपको करनी पड़ेगी ताकि आपके आपका ये जीवन एक मूल्यवान जीवन हो, बहुमूल्य जीवन हो और जब प्रभु हमारा न्याय करे तो वो कह सके सके कि शाबाश भले और विश्वास योग्य चाकर, शाबाश मेरे दास जो समय तुझे मिला था, शाबाश मेरे बेटे, शाबाश मेरी बेटी जो समय तुझे दिया गया था उसका तूने सही से इस्तेमाल किया है और जिस उद्देश्य के लिए मैंने तुझे बनाया था वो तूने पूरा किया है, तभी वो वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट ऐसा कहेंगे। सबोपदेशक उसके 12वां अध्याय में एक चीज लिखी गई है कि अपनी जवानी के समय में अपने सृजनहार को स्मरण कर। कई बार पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, जॉब पूरी हो जाती है, रिटायर्ड हो जाते हैं, तब लोग सेवकाय में लगते हैं कि अभी कुछ करना नहीं है तो चलो सेवकाय करते हैं और उसमें भी इंटेंशन मायने रखते हैं ना कि क्या इंटेंशन है इसके पीछे। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने जवानी के समय में अपने सृजनहार को स्मरण कर, मतलब अपने सृजनहार को तू जान, उनको पहचान कि वो तेरे जीवन में क्या चाहता। यदि मान लो कि 92 साल में या 95 साल में, अभी तो उतनी आयु नहीं रही है, 60, 65 या 62 या जो भी साल, बाइबल कहती है कि मनुष्य का जीवन 70 साल या बल के कारण कोई 80 तक जाए। यदि मान लो कि 79 ईयर में आपको पता चले कि मुझे परमेश्वर को जानना चाहिए, हाँ शायद उद्धार हो जाएगा पर जो उद्देश्य आपके लिए रखा गया था वो तो आपने मिस कर दिया। इसीलिए प्रभु का वचन ये आपको मार्गदर्शन देता है, काउंसिल करता है, आपको काउंसलिंग देता है कि अपने जवानी के समय में जब आपकी बुद्धि अभी खुल चुकी है, साइंस ऐसा कहती है कि 25 साल जब इंसान बच्चा बड़ा होकर जब वो जवानी में आकर 25 साल हो जाता है तो उनका ब्रेन पूरे का पूरा जैसा उनको बनना चाहिए डेवलप हो जाता है, मतलब उनकी बुद्धिमता भी खुल चुकी है। और यहूदी नियम के हिसाब से और उनकी मान्यताओं के हिसाब से, उनके विज्ञान या जो भी उनकी समझ के हिसाब से 30 ईयर्स तब उनको मैच्योर्ड माना जाता है ना, और उसके बाद ही वो सेवकाय कर सकता है, मंदिर में जो सेवा देनी है वो दे सकता है या फिर एक राबी के रूप में, सिखाने वाले के रूप में वो काम कर सकता है। तो अपने अपने जवानी के समय में अपने सृजनहार को जान ले, अगर नहीं जाना तो बहुत सारी योजनाएं जो आपके लिए रखी गई थी वो मिस हो जाएगी। प्यारो परमेश्वर इसलिए परमेश्वर है कि आपको और मुझे फ्रीडम भी दी गई है, फ्रीडम ऑफ विल, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फिर भी वो सारी चीजों को आखिर में वो चाहता है कि आप अपनी डेस्टिनी को पूरा करो, अपनी डेस्टिनी तक पहुंचो, जिस उद्देश्य के साथ आपको बनाया गया है उद्देश्य को आप पूरा करो। यदि आप गलती करते हो परमेश्वर दूसरा मार्ग, वो परमेश्वर का ज्ञान है, वो मैं भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि वो कैसे क्या करता है, पर वो चाहता है कि हम हमारे जीवनों के उद्देश्य को पूरा करें और इसीलिए उन्होंने समय दिया है, ये जीवन दिया है। हाउ टाइम इज मेजर्ड, समय को कैसे प्रमाणित किया जाता है, कैसे नापा जाता है, तो हर एक समय के लिए बाइबल कहती है ऋतु यानी कि अवसर है और समय है। हम
यदि पूरे साल को हम देखें तो विंटर, मॉनसून, गर्मी, सर्दी, ये सब है ना, ये सब में नापा जाता है कि पूरा साल उसमें आ जाता है, दिन को 24 घंटे में नापा जाता है। तो हमारे पास जो दिन है, जो समय है, 24 घंटे है, उसको हमें अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति एक सेवक के पास यदि गए, उन्होंने कहा कि पास्टर, मैं अभी मेरे जीवन के 95 साल में हूँ और मैं एक ऐसे चर्च में हूँ जो 1000 साल से है, और 1000 साल में भी एक नहीं, उसका 10वां हिस्सा, 100 साल जो होते हैं उसमें मैं 95 साल में हूँ। मतलब इस चर्च की जो हिस्ट्री है उसमें यदि कोई सबसे लंबा जिया है तो मैं जिया हूँ, कितना अच्छा है। आई प्रेज गॉड फॉर दैट, मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ कि मैंने 95 साल जिए। योर लाइफ डजंट मेजर्ड बाई इट्स ड्यूरेशन बट डोनेशन। आपका जो जीवन है वो आप कितना लंबा जिए हो उससे वो मायने नहीं करता है, उससे प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, पर आपने उस जीवन को कैसे इस्तेमाल किया है, आपके जीवन के द्वारा कितने लोग आशीषित हुए, आपके जीवन के द्वारा कौन है जो कह सकते सके कि इसने मेरे जीवन पे प्रभाव डाला है, इसने मेरे जीवन को बदला है, इस व्यक्ति के ये शब्दों ने मेरे जीवन को बदला है, इस व्यक्ति का लाइफ मेरे लिए आशीष का कारण बना है। हो सकता है आप में से कई बुजुर्ग लोगों के लिए अभी ये थोड़ा कटुता जैसा लगता हो, पर प्यारो आपके लिए एक खुशखबरी है कि जो हो गया उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो समय बीत गया उसको हम कुछ नहीं कर सकते, वहां जाकर हम कुछ सुधार नहीं कर सकते, पर जो समय अभी भी आपके पास है उसमें आप क्या करोगे। एक फेमस ब्रांड है KFC, है ना, कैंटेको फ्राइड चिकन। उसने अपना ये ब्रांड या ये बिजनेस जो है, जो आप मजे से खाते हो, उसका आनंद उठाते हो और आपको अच्छा लगता है, महीने में एक बार या हफ्ते में कई लोग अगर जाते हो तो, यदि आपको अच्छा लगता है वहां पर जाना, उसने उस बिजनेस को जब लोग रिटायर्ड हो जाते हैं उस एज में शुरू किया था। व्हेन ही वाज रिटायर्ड, मतलब एक रिटायरमेंट की लाइफ, हम एक समय हम मानते हैं ना, 60 साल या 58 ईयर्स, जिसको हम बोलते हैं कि बस अभी इंसान काम नहीं कर सकता। क्यों जवानों को जॉब पर लिया जाता है? क्यों जवानों के हर एक जॉब में आप देखना प्यारो, हर एक नौकरी के लिए एक एज लिमिट नियुक्त की जाती है ना, कि 35 साल के ऊपर नहीं, 30 साल के ऊपर नहीं। और जो फ्रेश रिक्रूटमेंट होता है उसके लिए तो एक नियुक्त किया जाता है कि भाई यदि फ्रेशर्स को हम हायर कर रहे हैं तो 23 साल से ऊपर नहीं, है ना, 25 साल के ऊपर नहीं। क्यों ऐसी आयु निर्धारित की जाती है? क्योंकि वो कंपनी चाहती है कि आपके बेस्ट समय का वो उपयोग करे, वो आपके समय को वो वहां पर अपनी कंपनी के लिए मैक्सिमम इस्तेमाल करे, और जब आप काम करने के लायक नहीं रहोगे 58 या 60, या फिर भी आपकी बुद्धिमत्ता अच्छी है, वो सिर्फ आपके नॉलेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए हो सकता है एक्सटेंशन दे आपको, पर वो चाहती है, कंपनी चाहती है कि आपके जीवन के मैक्सिमम समय का वो निचोड़ करे, वो उपयोग करे, ताकि वो बढ़ती जाए, उनकी कंपनी बढ़ती जाए। और इसीलिए फ्रेशर्स के लिए नो जॉब इंटरव्यूज होते हैं, फ्रेशर्स को कंपनियों में हायर किया जाता है, क्योंकि आपके समय का, आपके जीवन का मैक्सिमम समय वो चाहता है, वो कंपनी चाहती है कि उनके लिए इस्तेमाल हो, उनके योजनाओं के लिए, उनके विजन के लिए इस्तेमाल हो। आपको अपने जीवन का विजन पूरा करना है, मुझे मेरे जीवन का विजन पूरा करना है, और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि जिस उद्देश्य के लिए, जिस पर्पस के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है, वो उद्देश्य पूरा हो। और इसीलिए परमेश्वर काउंसिल देता है, सलाह देता है कि अपने जीवन के जवानी के समय में अपने परमेश्वर को जान ले, क्योंकि तेरा जो क्रिएटर है, तेरा जो बनाने वाला है, वो ही जानता है कि तुझे किस पर्पस के लिए बनाया है, वो ही जानता है कि तुझे किस उद्देश्य के साथ बनाया गया है। और जब तू परमेश्वर को जानेगा, जब तुम परमेश्वर को जाने हुए, वो परमेश्वर आपको प्रकट करेगा कि किस उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने आपको बनाया, और वो आपके जीवनों में उनकी योजनाओं को पूरा करे, उनके उद्देश्य को पूरा करे, ताकि हमारे जीवन काल में आखिर में परमेश्वर की योजनाओं को हम पूरा करें, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया।
कितना लंबा आप जिए हो वो मायने नहीं कर सकता करता। वो 95 साल का व्यक्ति हो सकता है, कई बार लोग एक अभिमान भी करते हैं कि इस चर्च में ये मेरी बेंचिस है और इतने साल से मैं यहाँ पर बैठा हूँ, 50 ईयर्स, 92 ईयर्स, यही मेरी जगह है, यहाँ पर कोई बैठ नहीं सकता। और मजा ले किसी की वहां पर बैठे, मजा ले वो पिछली वाली चेयर पर कोई बैठे, क्योंकि वहां पर तो मैं इतने सालों से बैठता हूँ। वो कुर्सियां तोड़ी है, वो बेंचेस को हमने गर्म किया है, उसके अलावा क्या किया है? सोचना पड़ेगा प्यारे, सोचना पड़ेगा। आई एम नॉट जजिंग यू, बट आई एम हेल्पिंग यू, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर का दास होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी मदद करूं, कि जो भी साल अभी भी बचे हैं उसमें कुछ करो जो परमेश्वर आपके जीवन के लिए चाहता है। हो सकता है वो 95 ईयर्स या 80 साल या 50 साल एक ही जगह पर बैठ के चर्च को क्या फायदा हुआ, आपकी कलीसिया को क्या फायदा हुआ, कितने लोगों को आप प्रभु में लाए। अच्छा होता आप वहां पर बेंचेस में ना बैठते, सिर्फ वहां पर बैठे ना रहते, पर कुछ लोगों को प्रभु की बात बताते, बाहर जाते। मॉडल चेंज हो गया है प्यारों, कम मॉडल हो गया है, जबकि बाइबल का जो मॉडल है वो है गो मॉडल, जाओ मॉडल, जाओ और संसार के लोगों को अपना प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दो, चेला बनाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुसमाचार दो। अभी कम मॉडल हो गया है, जो रियल मॉडल है वो गो मॉडल, जाओ और संसार में फैल जाओ। ऑक्यूपाई टिल आई कम, जब तक मैं आता हूँ पूरे संसार को भर दो मेरे सुसमाचार से, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में, जो उद्धार है, जो पापों की क्षमा है, जो ब्लेसिंग्स है, वो सारी बातों को प्रचार करो। प्रभु यीशु में जो अनंत जीवन है उस बातों को प्रचार करो। हालांकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेट्स कम बैक टू आवर सब्जेक्ट। आप कितना लंबा जिए हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपके जीवन के द्वारा इस संसार में आपने क्या बदलाव किए हैं, क्या बदलाव आप लाए हो, क्या आपने बदला है। सभोपदेशक 3:10 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मैंने, सभोपदेशक 3:10, मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहे। 11वीं आयत, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। हर एक चीजों को परमेश्वर ने अपने समय में सुंदर बनाया है। एक माँ इस संसार में जब बच्चे को जन्म देती है, वो बच्चे का बड़ा होना, उनको उनको कल्टीवेट करना, उनके जीवन के अंदर अच्छे संस्कारों को डालना, जब वो माँ कर रही है तो वो अपने माँ होने का उद्देश्य पूरा कर रही है। एक बाप जब अपने घर और परिवार के लिए जॉब करके, बिजनेस करके, कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करता है, अपने परिवार का गुजरान करता है, वो अपने बाप होने के उद्देश्य को पूरा करता है। तो ऐसे बहुत सारे उद्देश्य आप पूरा करते हो, पूरा कर रहे हो, प्रभु को महिमा मिले उन बातों के लिए। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं इस जीवन में जो हमें करनी है, उस बातों के लिए भी, उस बातों के ऊपर भी आप सोच विचार जरूर करिएगा और कहिएगा परमेश्वर को, पूछिएगा कि प्रभु किस उद्देश्य के लिए आपने मुझे बनाया है। 2 एग्जाम्पल्स हम देखकर ये वचन को पूरा करेंगे। यूसुफ के जीवन की घटनाओं को यदि आप देखो, यूसुफ जब वो छोटा था, उनको स्वप्न आया, एक दर्शन मिला कि वो अपने भाइयों में और यहाँ तक कि अपने माँ बाप भी, है ना, उनके माँ बाप भी उनके सामने झुकेंगे, इतना वो बड़ा होगा। और जब वो उस दर्शन को, उस स्वप्न को अपने भाइयों और माँ बाप के सामने रखता है, वो उनका तिरस्कार करते हैं। उनके भाई लोगों ने उनको मारा, कुएं में डाल दिया और इस्माइली लोगों को भेज दिया। समय, एक समय था कि उनको मारा गया, इस्माइलियों को भेज दिया गया और वहां पर वो एक दास के रूप में, एक नौकर के रूप में, एक गुलाम के रूप में काम करता है। पर परमेश्वर की, क्योंकि वो है कि वो परमेश्वर उनके साथ था, यूसुफ के साथ था। क्यों भाई परमेश्वर यूसुफ के साथ था? क्योंकि
यूसुफ परमेश्वर के नियमों को, कानूनों को मान रहा था, जो है वो मान रहा था, वैसे उसके अनुसार वो जीवन जी रहा था, और इसलिए परमेश्वर उनके संग था क्योंकि यूसुफ उनके संग चल रहा था। और जब वो परमेश्वर के संग चलता रहा, उनकी आज्ञाओं को माना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जब वो उनको पता चला, उनके जिस जिस समय में उनको जो करना चाहिए वो करता गया, समय आया कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया, ऐसा हम कह सकते हैं। राजा के बाद का जो प्रथम और प्रमुख स्थान होता है, उस स्थान के ऊपर उसको नियुक्त किया गया। पूरी स्टोरी आप जानते हो कि उनको जेल में डाला गया, क्यों जेल में डाला गया, और जेल में भी उनका जो जेलर था उनके नजर में वो फेवर पाया, और उनको वहां भी एक अधिकारी के रूप में, मतलब पूरी चीजों को देखरेख करने का उनको अगवा बनाया गया, और समय आया वहां से उनको निकाल कर वो राजा के महल में गया, क्योंकि उनके पास एक टैलेंट था, एक वरदान था जो परमेश्वर ने उनको दिया था, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर की बातों पर निगाहें रखने वाला था। और आज भी उस गुलामी में भी, उस जेल में भी, उनको पता था कि वो समय आएगा जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया है, और वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, राजा के दर्शन को, राजा के स्वप्न को उसने रिवील किया, और समय आया कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। There are times and seasons. यूसुफ ने अपने खराब समय में भी उस स्वप्न के द्वारा मिले दर्शन को नहीं भूला, और जो काम उनको जिस समय में कर, वो दास था तो उसने, जब वो चाकर था उन्होंने चाकरी करी, जब वो नौकर था उन्होंने नौकरी करी, जेल में था फिर भी वहां पर जो उनको काम था वो उन्होंने किया, पर क्योंकि परमेश्वर उनके संग था, वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, परमेश्वर ने उनके जीवन में जो समय आने वाला था वो लाया, और वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। प्यारो, आज आप भले ही आप दुख में हो, आप वेदनाओं में से जी रहे हो सकता है ये कोरोना काल ने आपकी आमदनी को डिस्ट्रॉय किया हो, आपके घर के जो खर्चे हैं वो अभी पूरे नहीं हो रहे हैं, आमदनी कम हो गई है, चाहे कैसी भी परिस्थिति में आप हो, जैसे चाहे कितने भी दुखों में आप हो, पर प्यारो परमेश्वर उन सारी परेशानियों को, उन सारे वेदनाओं के समय को, उन सारे दुखों के समय को आपके जीवन में से दूर कर अच्छा समय, आशीषों का भी समय वो लाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके दुखों को वो आनंद में बदल देगा। हालेलुया, आमेन। आपके दुखों को आनंद में वो बदल देगा। आप मेरे साथ कह सकते हो, मेरे पीछे बोल सकते हो कि परमेश्वर मेरे जीवन के एक इस दुख भरे जीवन को वो आशीषों में बदल देगा। परमेश्वर मेरे जीवन के इस परेशानियों वाले समय को वो भली बातों में बदल देगा। आपका आज का दुख एक दिन तो आएगा जब वो आनंद में बदल जाएगा। यारो, दानियल के विषय में एक बात हम देखना चाहते हैं। अब मैं ये सिर्फ रेफरेंस देता हूं, आप पढ़ लेना क्योंकि उतना समय नहीं है। दानियल जब उनको भी गुलाम बनाकर मिस्र में लाया गया, उनके साथ और भी तीन भाई थे, उनको जब गुलाम बनाकर यहाँ लाया गया, उन्होंने परमेश्वर की बातों से और परमेश्वर के वचनों के साथ कोई भी प्लस और माइनस नहीं किया। जो उनको करना चाहिए वो उन्होंने किया, जो नियम शास्त्र में मना किया गया था वो भोजन वस्तुओं से वो दूर रहे, वो बातों से वो दूर रहे जो उनके लिए परमेश्वर ने नहीं रखा था, क्योंकि नियम शास्त्र ऐसा कहता था। उन्होंने परमेश्वर को ऑनर किया, परमेश्वर के वचनों को ऑनर किया, और इसीलिए परमेश्वर ने उनको भी ऑनर किया। वो प्रार्थना करने वाले लोग थे, जब जब ऐसी कुछ बातें आती थी, कोई दर्शन मिलता था, कोई स्वप्न मिलता था, दानियल के अंगत पर्सनल लाइफ की यदि मैं बात करूं, परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि पिछले कोरोना काल से मैंने दानियल की किताब को पढ़ा, मैंने रिवीलेशन की किताब को गहराई से पढ़ा, देखा, तो तब ये बातों को मैं समझ पाया। ये दानियल का पर्सनल लाइफ कैसा था, वो एक प्रार्थना करने वाला लोग व्यक्ति था, उनके साथ ही जो लोग थे वो भी प्रार्थना करने वाले लोग थे। जब जब उनको दर्शन मिलता था, ऐसा नहीं था वो हम सिर्फ ऐसे पढ़ते हैं कि उस स्वप्न का फिर उन्होंने अर्थ करके दिखाया, वो कैसे अर्थ करके दिखाया, उन्होंने प्रार्थना की पूरी रात, उनके उनके साथ उनके भाई लोग जो थे, उनके जो फ्रेंड्स थे तीन, शद्रक मेशक
और अबेदनगो, जब वो दर्शन मिला, वो स्वप्न मिला, वो सो गए, पर दानियल प्रार्थना में लगा रहा था। और तब परमेश्वर ने उस स्वप्न का उनको अर्थ दिया, और उसके बाद उनको और उनके साथ शद्राक मेशाक और अबेदनगो को अच्छे अच्छे स्थानों पर उनको बिठाया गया। वो प्रार्थना करने वाले लोग थे, ऐसे ही वो स्वप्न का अर्थ नहीं आया। ऐसा नहीं कि वो वरदान है तो तुरंत आपको स्वप्न का अर्थ मिल जाएगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। उसने पूरी रात प्रार्थना की, तब जाकर परमेश्वर ने उनको प्रकट किया था। वरदान वो मिला, वो वरदान के लिए भी वो ऐसे ही मैनिफेस्ट नहीं होता है ना, हमें कुछ करना पड़ता है। तो दानियल को वो बातें पता चली, और उसके बाद वो यर्मिया की किताब को पढ़ रहा था। और यर्मिया की किताब में आप पढ़ निकालिए मेरे साथ, ये आखिरी आयत हम निकालेंगे, दानियल की किताब। इका पखा था रला रला इकोलो रशिक दे दो रीता बाबा इकोलो रजो इकाला रला इकोलो रशिक रीता पखा रला रला इकोलो इकाला रश। दानियल की किताब उसका 9वां अध्याय पहली आयत से चौथी आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मादी शयर्स का पुत्र द्वारा जो कस्तियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यर्मिया नबी के पास पहुंचा था कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। ये दानियल के समय में उनको पता चला। क्यों? क्योंकि वो यर्मिया की किताब पढ़ रहा था, और यर्मिया की किताब के कई बातों को जो जब वो नहीं समझा, यदि आप 10वें अध्याय में आगे पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि उन्होंने फास्टिंग किया, 21 दिन का फास्टिंग किया है ना, और उसके बाद स्वर्ग में से परमेश्वर की ओर से एक दूत उनको भेजा गया और वो सारी बातों को परमेश्वर ने उसको प्रकट किया। पर कब वो समझ पाए, वो क्या समझ रहा है कि कब ये योजनाएं पूरी होगी? परमेश्वर ने कहा था, ये सिर्फ आपको रेफरेंस दे रहा हूँ कि आप बाद में पढ़ सकते हो, यर्मिया की किताब 25वां अध्याय और 8 से लेके 10वीं आयत और 15 तक आप यदि पढ़ोगे तो वो जो भविष्यवाणी थी जो इसराइली लोगों के लिए लिखी गई थी कि तुझ पर बाहरी लोग आएंगे और तुझ पर चढ़ाई करेंगे, तेरा नामो निशान मिटा देंगे और गुलाम बनाकर आपको ले जाया जाएगा, पर वो पूरा होने का भी समय आएगा। तो वो यर्मिया 25 उसका 8वीं आयत से 10वीं आयत में लिखा गया है, पर उसका पूरा होने के बाद का भी समय आएगा। और जब वो समय आएगा तो उसके बीच में कितने साल है वो कैसे पता चलेगा? तो यर्मिया की भविष्यवाणियों को उसको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए दानियल वो यर्मिया की भविष्यवाणियों को पढ़ने लगा, और जब पढ़ने लगा तब उसको समय पता चला यहाँ पर कि अभी वो समय पूरा होने वाला है। और इसीलिए बाद में उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु मैं और मेरे पूर्वजों ने तेरे खिलाफ ये काम किया है, हम तो ऐसे लोग हैं, हमने ये खराब किया है, हम नित्य तेरे विरुद्ध चले हैं। वो पूरी प्रार्थना को, वो पश्चाताप की प्रार्थना को आप पढ़ना आगे है ना, और उसके बाद वो पश्चाताप करता है। प्यारो, परमेश्वर का जब समय आया उस समय को समझने के लिए, उस भविष्यवाणियों को समझने के लिए उनने उसने मन लगाया, और जब वो उन भविष्यवाणियों को समझा तो दानियल कारण बना कि अपने लोगों का जो छुड़ाने का समय है, उनकी गुलामगिरी का पूरा होने का जो समय है वो अभी आ गया है। पर दानियल वो कारण बना कि उनकी प्रार्थना के कारण, उनके पश्चाताप के कारण परमेश्वर का जो समय है वो अभी पूरा होने का समय आ गया, और वो पूरा हुआ। वो बाद में शद्राक मेशाक अबेदनगो और वो सब अपने प्रदेश में चले गए, पर दानियल वहां रुका था क्योंकि उनके लिए काम नियुक्त था, उनका एक काम था जो रुका था, इसलिए वो उनके साथ नहीं गया था, पर दानियल वहां पर रुका था। वो सारी हिस्टोरिकल बातें हैं, और प्रभु के कुछ दासों को प्रभु ने रिवील की वो बातें हैं। पर कब दानियल ये समझ पाया? जब उसने समयों को समझने की कोशिश की। किसके आधार पर? दुनिया की बातों के आधार पर नहीं, परमेश्वर के वचनों के आधार पर। परमेश्वर के दास जो मन लगाते हैं, आप विश्वासी लोग जब परमेश्वर की बातों के ऊपर मन लगाते हो, समय को समझने की कोशिश करते हो, घटनाओं को समझने की कोशिश करते हो, परमेश्वर आपको प्रकट करेगा, और आप कारण बनोगे लोगों के भले काम के लिए, लोगों के बचाव के लिए, लोगों के आशीषों के लिए। वहां दानियल कारण बना,
उनकी गुलामी के समय का पूरे होने का जो समय आया और उसके लिए प्यारो हर एक बातों के लिए समय है, पर हमें मन लगाना पड़ेगा कि परमेश्वर इस संसार में, इस जीवन में आपसे और मुझसे क्या चाहते हैं। आपका और मेरा इस सृष्टि के ऊपर का जीवन है वो ही नियुक्त करता है कि आप क्या बनोगे और कहां पर जाओगे। प्यारो एक बात सोचिए, ये आखिरी एक दो बात बताकर मैं वचन को पूरा करना चाहता हूं। परमेश्वर जो अनंत काल में, वो एक तो समय से बाहर है, समय का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, इसीलिए वचन कहता है कि यीशु मसीह पहले आज और सदाकाल ऐसा का ऐसा है, वो समय से परे है ना। पर फिर भी मनुष्य को जो समय दिया गया है, जो जीवन दिया गया है, वो जीवन ही, वो समय ही नियुक्त करता है कि वो इटर्निटी में, इटर्नली कहां पर जिएगा, कैसे जिएगा। क्या वो परमेश्वर के साथ अनंत काल में जिएगा, परमेश्वर के राज्य में जिएगा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा कि नहीं करेगा, इटर्नली डेथ अनंतकालिक मृत्यु में जिएगा, जिसको हम नर्क भी बोलते हैं, तो नर्क में जिएगा या स्वर्ग में जिएगा, परमेश्वर के अनंत काल में परमेश्वर के संग जिएगा या परमेश्वर के विपरीत, जो नर्क या अनंतकालिक मृत्यु है वहां वो जिएगा। ये अनंतकालिक डेस्टिनी क्या तय करेगी आपके लिए, आपके पास जो इस पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है, जो समय है, और उस जीवन में, उस समय में आप जो कुछ करोगे वो नियुक्त करेगा कि आपका अनंत काल कहां बीतेगा। परमेश्वर ने हर एक चीजों को अपने समय में सुंदर सुंदर बनाया है। गुजराती में बहुत अच्छा लिखा है उसके 10वीं आयत में कि मनुष्य को जो समय इस सृष्टि के ऊपर मिला है वो उसको तैयार करने के लिए दिया गया है। गुजराती में एवं लखी सके, यानी केड़वाना साधन तरीके समय आपका आव्यो से मनुष्य को उसको डेवलप होने के लिए, उनको उनको तैयार करने के लिए वो समय दिया गया। और इसीलिए याकूब की जो पत्री आप यदि पढ़ोगे पहली आयत से तीसरी आयत तक या चौथी आयत तक, कि यदि हम दुख में से गुजरते हैं, हम कठिनाइयों में से गुजरते हैं, वेदनाएं आती है, कष्ट आते हैं, तो परमेश्वर ने वो भी समय को इसलिए अलाउ किया है कि हम धीरज में बढ़ते जाए, हमारा पेशेंस बढ़े, हमारी धीरज बढ़े। तो हर एक चीज जो आपके और मेरे जीवन में होती है, जो भी समय आता है, तो वो सारी बातें हमारे जीवन को तैयार करती है, हमें डेवलप करती है, पर वो भी मायने करता है कि आप क्या चुनाव करते हो। दुख में यदि आप मायूस हो जाओगे, और जैसे कई लोग अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं, तो उनके लिए उनका जो चुनाव था, उनका चुनाव उनको वहां पर ले जाएगी। पर यदि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करोगे, परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करोगे कि ये संसार में आपको संकट है, पर हिम्मत रखो, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने परमेश्वर कहता है कि मैंने इस संसार को जीत लिया है, मैं सदा तुम्हारे संग हूं, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, जैसे मैं मूसा के संग चला हूं, तेरे आयुष्य के सर्वकाल दिन तक कोई भी मनुष्य तेरे संग, तेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझे ना त्यागूंगा। यदि ये वचन आपके अंदर है तो वो आपको ढाढ़स देंगे, वो आपको हिम्मत देंगे। और ये जो समय और आने वाला जो समय है, प्यारे समयों को समझने की कोशिश करो ताकि आप सही समय पे सही चुनाव कर पाओ और जीवन को चुनो और ना ही मृत्यु को। परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन को चुनो और मृत्यु को नहीं। जो अनंतकालिक जीवन है वो मायने, वो नियुक्त करेगा, वो प्रमाणित करेगा। कैसे प्रमाणित करेगा कि आपका आज का जीवन कैसा है, आपको आज जो समय मिला है उसको आप कैसे जी रहे हो, उसको कैसे आप वैल्यूएबल बना रहे हो। आपके जीवन को आशीषित बनाना है तो परमेश्वर को जानिए, परमेश्वर को पहचानिए, परमेश्वर के साथ एक डीप रिलेशन में चलिए, एक मजबूत फेलोशिप में चलिए, एक मजबूत फेलोशिप में रहिए, ताकि परमेश्वर अपनी योजनाओं को, आने वाले समय की योजनाओं को, जैसे वो अपने दासों को प्रकट करता है, जैसे पुराने नियम में परमेश्वर के दासों को प्रकट किया, जैसे नए नियम में परमेश्वर के दासों को प्रभु ने प्रकट किया, वो उस बातों को अपने जीवन में होते हुए देखे, और उस समय उनको जो चुनाव करना चाहिए था वो उन्होंने किया।
जहां पर जाना मना किया गया कि वहां पर मत जाना। किसने कहा? परमेश्वर की आत्मा आत्मा ने कहा। वो तो वहां अच्छा काम करने के लिए जाने वाले थे, सुसमाचार करने वाले करने जाने वाले थे, लोगों को बचाना चाहते थे, पर वो जरिया नहीं था, वो समय नहीं था, वो जगह इस समय के लिए नहीं थी कि वहां प्रचार किया जाए। हो सकता है कई बार आप लोगों की मदद करना चाहते थे, ये कर दे तो लोगों की मदद हो जाएगी, ये कर दे तो लोगों का जीवन बच जाएगा, पर प्यार हो सकता है वो योजना परमेश्वर की ना हो। हालेलुया। परमेश्वर की जो योजना है उसको समझो, उसको जानो और सही निर्णय लो, ताकि आपका जीवन बचे, आपका अनंत काल कहां पर बीतेगा वो नियुक्त हो। हो सकता है इस संसार के इस जीवन को, इस शरीर को आप बचा लो, पर परमेश्वर कहता है कि उन लोगों से मत डरो जो आपके शरीर का नाश कर सकते हैं, पर उससे डरो जो आपकी आत्मा का नाश कर सकते हैं। वो परमेश्वर जो आप जिसके हाथ में है कि आपकी आत्मा का क्या होगा, उससे डरो। इस संसार के उन मनुष्य से मत डरो जो आपके शरीर को नाश कर सकते हैं। प्यारो, जब परमेश्वर हम में जीता है, परमेश्वर का लाइफ हम में है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है। प्रभु यीशु मसीह जब हमारे अंदर है, नए नियम का वो बिगेस्ट रिविलेशन है, वो एक मिस्ट्री है कि मसीह मुझ में जीता है जो महिमा की आशा है। अब से मसीह हम में जीता है, गॉड्स लाइफ इज इन अस, परमेश्वर का जीवन हम में है। और जब परमेश्वर का जीवन हम में है, वो जीवन हमें जीवन देता है। इस संसार की कोई भी बातें हमें जीवन नहीं दे सकती है। चलो, कई बातें ऐसी है कि वो बोलना या बताना वो बहुत ऊपर हो जाता है। कई ऐसे लोग हैं, एक सिस्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, आपको जानकर बोले हैरानी होगी। एक रोमन कैथलिक नन, उन्होंने कई साल तक खाना नहीं खाया और फिर भी वो जिंदा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक वचन के ऊपर विश्वास किया। प्यारो, वो विश्वास बड़ा होता है और वो विश्वास के ऊपर कार्य करना, वो उनका बिलीफ सिस्टम बन गया है, इसलिए उनके जीवन में ऐसा हो रहा है ना। कुछ भी सुनकर ऐसे ही पकड़ मत लेना। उन्होंने ये वचन के ऊपर विश्वास किया कि मनुष्य केवल रोटी के ऊपर नहीं, पर परमेश्वर के हर एक वचनों के ऊपर विश्वास, हर एक वचनों के ऊपर जिएगा। वो दिन रात सिर्फ और सिर्फ बाइबल पढ़ती है। वो कैथलिक नन दिन रात सिर्फ और सिर्फ बाइबल पढ़ती है और इसीलिए वो कई सालों से जिंदा है। एक जगह है भारत की, वहां पर एक महाऋषि है जो 400 से भी ज्यादा सालों तक जी रहे हैं। वो प्रभु को जानते हैं और परमेश्वर उनको बहुत सारी बातें बताते हैं, और उनकी अब बस यही काम है कि वो दुनिया के लिए प्रार्थना करें, वो संसार के लिए प्रार्थना करें। जो 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 बातों के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है, वो सिर्फ वो प्रार्थना करते हैं। प्यारो, आत्मिक दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है। उनको फिजिकल नजरिए से देखोगे, दुनिया के नजरिए से देखोगे, हो सकता है मैं और आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठे। आत्मिक नजरिए से देखिए दुनिया को, और आत्मिक सुझाव ही, आत्मिक सलाह ही, आत्मिक काउंसिल ही आपको जीवन की ओर ले जाएगी। इस संसार की बातें, इस संसार का ज्ञान हो सकता है आपको मृत्यु की ओर ले जाए। परमेश्वर पर विश्वास करिए, परमेश्वर की बातों के ऊपर विश्वास करिए, परमेश्वर के साथ डीप फेलोशिप में बने रहिए, परमेश्वर की भली बातों के ऊपर विश्वास करिए, वचन के साथ जुड़े रहिए। और ये वचन जो परमेश्वर का जीवन है, जो परमेश्वर की बातें है, जो काउंसलिंग देता है, जो हमें सलाह देता है, जो सुझाव देता है, बिना वचन के पवित्र आत्मा कैसे आपकी सहायता करेगा? ये बहुत बार मैंने समझाया है कि जैसे वचन, हम वचन को नहीं, पवित्र आत्मा को कितना भी महत्व दे, यदि एक फ्लाइट को आना है, लैंड करना है और उड़ान भरना है, आपको आत्मिक जीवन में यदि वृद्धि होना है, उड़ान भरना है, तो जो बेस है वो है वचन। फ्लाइट है, उसमें फ्यूल है, पवित्र आत्मा है, उसमें सामर्थ है, पर फिर भी जब तक वचन का प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिलेगा, आपका ग्रोथ, आपकी उड़ान संभव नहीं है। इसीलिए पवित्र आत्मा में हम कितना भी विश्वास करें, पवित्र आत्मा के बारे में हम नहीं जानते हैं वचनों के आधार पर, वचन के आधार पर हम पवित्र आत्मा को नहीं समझेंगे। वचन ही है जो हमें परमेश्वर के बारे में सिखाती है, वचन ही है जो हमें पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के सामर्थ के बारे में सिखाती है, पर जो बेस है वो है वचन। वो वचन जब तक नहीं है, वो सामर्थ आप में से नहीं निकलेगा। वो वचन जब तक आपकी बिलीफ सिस्टम नहीं बन जाता है, जो भी वचन हमें सिखाता है, अंदर में आपका विश्वास नहीं बन जाता है, फेथ कैसे प्रोड्यूस होगा? क्योंकि
विश्वास सुनने के द्वारा और सुनना मसीह के वचनों के द्वारा आएगा ही नहीं, और बिना फेथ के कुछ भी सामर्थ्य निकलना संभव नहीं है। इसीलिए बार बार प्रभु ने कहा जैसा तू विश्वास करता है वैसा तेरे साथ हो। वो विश्वास का होना इंपॉर्टेंट था। प्रभु ने जो बोला कि उठ और तेरे तेरे खाट को तेरी पथारी को उठाकर चल, उस वो वचन गया, उस वचन ने उस व्यक्ति के अंदर विश्वास पैदा किया, और उस विश्वास के कारण जब उसने उठने की कोशिश की वो उठा और चल पड़ा, है ना। वचन, जब आपके मेरे पास वचन है अंदर है तब वो विश्वास को प्रकट करेगा, विश्वास को पैदा करेगा, और वो विश्वास आपकी लाइफ को राइट डायरेक्शन में ले जाएगी और जीवन की ओर ले जाएगी। आए हम आंखों को बंद करें। बहुत सारी बातों को हमने देखा है, हमने सुना, हमने सीखा। परमेश्वर ये बातों को समझने के लिए और भी गहराई में इन बातों को परमेश्वर आपको समझाए। प्यारो, जो जो आज हमने सुना है उसके ऊपर मेडिटेट करिए, फिर से एक बार जरा दोहराइए अपने मन में, आंखें बंद करिए, सभी लोग आंखें बंद करें, अपने मन में दोहराए कि क्या मैंने आज सुना है। इस संसार के ऊपर हर एक चीजों के लिए समय है, हर एक घटनाओं के लिए समय है, जन्म लेने का भी समय है और मृत्यु का भी समय है। जो भी समय आपको और मुझे इस पृथ्वी के ऊपर दिया गया है वो ही नियुक्त करेगा कि आपका भविष्य कैसा होगा, आपका इटर्नल लाइफ कहाँ होगा, आपका अनंतकालिक जीवन कहाँ बीतेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में उन समयों को समझा, इसीलिए उनका जिस रीति से बलिदान होना चाहिए उस समय पर ही उनका बलिदान हुआ, और कोई उनको मार ना सका, और यदि लोगों ने उनको मारने की कोशिश की वो वहां से निकल गया क्योंकि समय आया नहीं था। वो समय, उस समय उनके जीवन के लिए वो नहीं था कि वहां पर उनका मृत्यु हो जाए। इजरायली जो लोग थे वो पहले और आज भी समयों को परखने की कोशिश करते हैं, इसीलिए कई राबी आज भी है जो समयों को परखने की कोशिश करते हैं, और बड़ी बड़ी किताबें उन्होंने लिखी है कि कौन से समय में कब क्या होगा। परमेश्वर के दासों को प्रभु प्रकट करता है, जो वचन के साथ जब आप जुड़े रहोगे परमेश्वर का आत्मा आपको प्रकट करेगा कि कौन से समय में आप जी रहे हो और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपको चुनाव करना चाहिए और क्या चुनाव नहीं करना चाहिए। प्यारो, एक बात परमेश्वर का आत्मा मुझे याद दिला रहा है, जब साउल, हालांकि वो परमेश्वर की योजना नहीं थी, जब इजरायली लोगों ने अपने लिए राजा मांगा, वहां समुएल मायूस हो गया और परमेश्वर के संग गया कि प्रभु तेरे लोगों ने तुझे नकार दिया है, मुझे नकार दिया है, और वो तो चाहते हैं कि जैसे दूसरी प्रजाओं के पास राजा है हमें भी राजा चाहिए, वो हमारी निगरानी करे, वो हमारे हमारा प्रोटेक्शन करे, वो हमारी अगुवाई करे। परमेश्वर कहता है कि क्योंकि ये लोगों ने तुझे ठुकराया है, उसने मुझे ठुकराया है, और जैसा वो चाहते हैं वैसा राजा उनको दे। और वो जो राजा शब्द वहां लिखा है पहली बार समुएल की किताब में, वो राजा शब्द नहीं है, इन ओरिजिनल हिब्रू इट इज अ कैप्टन नॉट अ किंग। वो कैप्टन शब्द है, मतलब परमेश्वर ने उस समय पर जब साउल को दिया तो परमेश्वर ने राजा नहीं दिया, पर परमेश्वर ने कैप्टन दिया, सरदार दिया, राजा नहीं दिया, क्योंकि सनातन राजा तो परमेश्वर है। पर उसके बाद जब परमेश्वर साउल को रिजेक्ट कर देते हैं, पूरी घटना आप जानते हो, जब साउल को रिजेक्ट किया जाता है समुएल बहुत दुखी हो जाता है, कई दिनों तक वो दुख में और रोने रो रो कर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है कि प्रभु तू इसको रिस्टोर कर, इसके एनेंटिंग को रिस्टोर कर, इसके अभिषेक को रिस्टोर कर, प्रभु इसको तो प्रभु लोगों ने मांगा था और बाद में तूने मुझे भेजा था, मैंने उसको सरदार के लिए अभिषेक किया, राजा के लिए नहीं, सरदार के लिए अभिषेक किया, कैप्टन, एज अ कैप्टन अभिषेक किया, उनका राजा की रीति से अभिषेक नहीं हुआ था, उसका कैप्टन की तरीके से, ओरिजिनल हिब्रू वर्ड के प्रकार से उसका कैप्टन के रूप में अभिषेक हुआ था, सरदार के रूप में अभिषेक हुआ था, प्रभु मैंने अभिषेक किया था, अभी तूने उसको नकार दिया है, उसको रिस्टोर कर, उसके अभिषेक को रिस्टोर कर, ऐसा वो गिड़गिड़ा रहा था। और प्रभु उनके पास
प्रभु समुएल को कहते हैं कि तू कब तक साउल के लिए, कब तक ये सॉल के लिए तू रिग्रेट करेगा, कब तक तू उसके लिए ऐसे रोता रहेगा, उठ और तेरा वो सिंह ले, अभिषेक का तेल उसमें ले, सिंह ले और जिस जगह पर मैं बताता हूं वो ईसाई के पास तू चला जा, क्योंकि मैंने मेरे लिए मेरा मन भावता हुआ राजा ढूंढ लिया है। वो मैंने उसको, और वो दाऊद के विषय में है यार। उस समय को देखो, समय को परखो। समूएल कुछ और सोचता था पर परमेश्वर की योजना कुछ और थी। समूएल साउल के ऊपर अटका पड़ा था पर परमेश्वर ने तो दाऊद को ढूंढ निकाला था राजा के रूप में, अभी सरदार के रूप में नहीं, कैप्टन के रूप में नहीं, क्योंकि सरदार बड़ा कड़ा हिम्मतवान, उनके बाजुए और पूरा शरीर हृष्ट पुष्ट हो, वैसा सरदार होता है, वैसा कैप्टन होता है। पर परमेश्वर ने जो जिनका मन परमेश्वर के ऊपर लगा हुआ था, जिनका हृदय परमेश्वर के ऊपर लगा हुआ था, ऐसे राजा को परमेश्वर ने ढूंढ निकाला था और वो था दाऊद, जिसको परमेश्वर सदा कहते हैं कि हिज हार्ट इज बी, उनका हृदय परमेश्वर के ऊपर लगा हुआ था, परमेश्वर का मन भावता हुआ था, मन भावता वो व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि उनका हृदय परमेश्वर के ऊपर लगा हुआ था। प्यारो, आज मेरे और आपके पास ये समय है, उस समय में हमारा मन कहाँ लगा हुआ है? जैसे वो यूसुफ का मन परमेश्वर की बातों पर लगा हुआ था, परमेश्वर के संग वो चलता था और इसीलिए परमेश्वर उनके संग था, और आखिर में वहां का एक मुख्य व्यक्ति प्रधान बना, दानियल। दानियल को भी उच्च पदवी मिली और उसके बाद भी उन्होंने नियम शास्त्र में से, परमेश्वर की बातों में से समय को परखना नहीं छोड़ा। समय को वो परखता गया कि कब, यही है समय है कि अभी हमारा छुटकारा होना है यहाँ से, यही है समय। कैसे उसको पता चला? जब उसने यर्मिया की किताब को पढ़ा, उनकी भविष्यवाणियों के ऊपर उसने मन लगाया, उस भविष्यवाणियों ने उसको समझाया, परमेश्वर के आत्मा ने, परमेश्वर के दूतों ने उनको समझाया, परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर उनको समझाया, और वहां पर वो जो छुटके का समय था, वो छुटकारे का समय था, वो समय बाद में उनके वहां पर आया और उस सारी बातों में क्या क्या होने वाला है, और यहाँ तक कि प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक का सारी बातें परमेश्वर ने दानियल को भी बताई थी। अंत के विषय की भविष्यवाणियां, अंत के समय में जो होने वाला है वो परमेश्वर ने दानियल को भी बताया था। क्यों? क्योंकि उसने उनका मन वहां पर लगाया, परमेश्वर की बातों के ऊपर मन लगाया, और उस समय पर उसको जो करना चाहिए वो उसने किया। उसने पश्चाताप किया खुद के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए कि प्रभु हमने ये सारी चीजें आपके खिलाफ की है, प्रभु तू हमें क्षमा कर, और प्रभु जो योजना तेरे यर्मिया की किताब में भविष्यवाणियों में जो लिखी है वो पूरा होने का समय आ रहा है प्रभु, तो वो पूरा कर। वो माध्यम बना अपने लोगों के छुटकारे के लिए, उनकी प्रार्थनाएं माध्यम बनी अपने लोगों के छुटकारों के लिए, उनका उनका जो ज्ञान परमेश्वर ने उनको जो दिया था वो मैथमेटिक्स में माहिर था, मैथमेटिक्स का ज्ञान यदि इस संसार में और उस समय पर जो सबसे ज्यादा वो मैथमेटिक्स की बातें यदि आई है तो परमेश्वर ने दानियल को दी थी और वहां से आई थी। आप भले ही आज किसी का साइंटिस्ट का नाम ले लो पर दानियल वो व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने मैथमेटिक्स दिया था, देखा था, खतरा लगा था। आज हम जिस समय में जी रहे हैं वो बातें, वो सारी बातों को हम समझने पाए, हम समयों को समझने पाए, ताकि इस समय में और आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए, क्या चुनाव करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा आपको खुद परमेश्वर आत्मा मुझे और आपको समझाए, ताकि हम जीवन को प्रसन्न करें, हम परमेश्वर की बातों को पसंद करें और परमेश्वर की भली योजनाएं हमारे जीवनों में पूरी हो। परमेश्वर पिता, जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह में जो अधिकार मुझे मिले हैं, हम प्रभु के दास, सभी प्रभु के दास इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं
प्यारो, यदि जो भी आपकी परेशानियां हैं, आपकी जरूरतें हैं, परमेश्वर को आप कहिए। ये समय है दुआ का, प्रार्थना का, चुप मत बैठे रहिए। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर जानता है कि आपकी क्या जरूरतें हैं, फिर भी वो चाहता है एज अ फादर कि आप उनके पास जाओ, आप उनको कहो कि प्रभु मेरी यह जरूरत है, मुझे ये दे। चाहे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे आपके शरीर में कोई बीमारियां हो, आप परमेश्वर को कह सकते हो कि प्रभु ये बीमारी इतने समय से मेरे या मेरे परिवार के कोई भी सदस्य के जीवन में है। आप कह सकते हो कि प्रभु मेरे मम्मी, मेरे भाई, मेरी बहन, या आपके शरीर में यदि कोई ऐसी बीमारी है, आप कह सकते हो कि प्रभु इस बीमारी इतने समय से मुझे परेशान कर रही है, प्रभु मैं चाहता हूं कि आज तेरा सामर्थ्य मुझे छुए और आज तेरे सामर्थ्य से मैं चंगा हो जाऊं, आज तेरे नाम से मैं चंगा हो जाऊं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो कुछ भी आप मेरे नाम से मांगोगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगोगे, वो आपके जीवन में किया जाएगा, वो आपके जीवन में पूरा होगा। प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए करूंगा, जो कुछ भी आप मेरे नाम से मांगोगे मैं आपके जीवन में करूंगा, मैं वो पूरा करूंगा। प्यारो मांगिए, चुप मत बैठे रहिए। जो भी आपकी जरूरतें हैं, जो भी आपको घर में परिवार में कमी घटी है, बच्चे भाई बहन उनके जीवन में, जो भी आपके खुद के जीवन में आप जो सुधार लाना चाहते हो, कहिए प्रभु से कि प्रभु मेरी इस आदत से मैं परेशान हूं, वो मेरे जीवन में से आप निकाल दीजिए। जैसा तू चाहता है प्रभु वैसा मैं बनना चाहता हूँ, मेरी हैबिट्स मुझे दे प्रभु, मेरी ये गंदी आदतें, मेरी ये खराब चीजें मेरे शरीर में से, मेरे जीवन में से, मेरी सोच में से निकाल दे प्रभु। जो कुछ भी आप चाहते हो, जो बदलाव आपके जीवन में चाहते हो, मांगिए प्रभु से। और विशेषकर एक बात प्रभु से मांगिए कि प्रभु मुझे समय को समझने का वरदान दे, प्रभु मुझे समय में किस समय पर मुझे क्या करना चाहिए वो मुझे वरदान दे, ताकि प्रभु मैं तेरी इच्छाओं को, तेरी योजनाओं को मेरे जीवन में पूरा कर सकूं। प्यारे परमेश्वर पिता, आज जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु उनमें से यदि कोई बीमार है, यदि किसी के अंदर दुष्टात्मा है, यदि किसी के घरों में दुष्टात्माएं कार्यरत है, प्यारो जब हम मैं और परमेश्वर के दास आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आपको उल्टी आती है तो उल्टी होने दे, निकल जाने दे वो सारी चीजें, खाया पिलाया यदि कोई भी ऐसी बातें हैं तो वो निकल जाएगी, यदि ऐसी कोई किसी भी रीत से अंधकार का कोई भी चीजें आपके शरीर में, आपके जीवन में, या किसी ऐसा मूवी देखने से या वीडियोस देखने से कोई भी बातें आपके जीवन में आई होगी, आपके शरीर में प्रवेश की होगी, वो निकल जाएगी। विश्वास करिए वो अभी होगा, इसी दौरान होगा, और परमेश्वर का आत्मा अब जहां कहीं भी है वहां पर वो करेगा। आज ही आपका छुटकारे का दिन है, आज ही आपका उद्धार का दिन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज ही उद्धार का दिन है, आज ही छुटकारे का दिन है। वो यदि आप विश्वास करोगे तो वो आज ही आपके जीवनों में होगा। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के उस वाचा के लहू के सामर्थ्य में, जितने भी लोग जो भी मांग रहे हैं, यदि कोई छुटकारा मांग रहा है, यदि कोई बीमारियों में से चंगाई मांग रहा है, हर एक बीमारियों को, हर एक वो बातों को जो अंधकार की सामर्थ्य की ओर से आई है, जो अंधकार के जगत से उनके जीवनों में आई है, उन सारी बीमारियों को, उन दुष्टात्माओं को, उन अशुद्धात्माओं को, उस ऐसी सोच को, उस नेगेटिव सोच को, उस डिप्रेशन की आत्मा को, उस मृत्यु के सोच या सुसाइडल स्पिरिट, सुसाइडल थॉट्स, उस सारी दुष्टात्माओं को यीशु मसीह नाजरी के नाम से, हर एक बीमारियों को आज हम डांटते हैं यीशु मसीह नाजरी के नाम से, यीशु के लहू के सामर्थ्य में, इस जीवनों में से अभी इसी वक्त दूर हो जाए यीशु के नाम में, अभी इसी वक्त दूर हो यीशु के नाम में। आई रिलीज दैट अनॉइंटिंग, वो अभिषेक आपको छू रहा है, वो अभिषेक आपको छू रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में है, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा को कोई बंधन नहीं है, वो हर जगह हर समय पे वो मौजूद है, और वह आत्मा परमेश्वर की सामर्थ अभी इसी वक्त आपके घरों में मौजूद है। वो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ अभी इसी वक्त आपको छू रही है। चंगे हो जाओ यीशु मसीह नाजरी के नाम में। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छुटकारा छुटकारा
चंगाई यीशु मसीह नाजरी के नाम से। वो सारी बातें हो रही है अभी इसी वक्त हो रही है, आपके जीवनों में छुटकारा आ रहा है, वो दुष्टात्माएं निकल रही है, वो बीमारियां जा रही है यीशु मसीह नाजरी के नाम से, वो नेगेटिव सोच जा रही है यीशु मसीह के नाम नाम में। प्यारो कहिए कि हे बीमारी, जो भी आपकी बीमारी है कहिए कि आपका बीमारी का नाम लेकर कहिए कि हे बीमारी, तुझे मेरे शरीर के ऊपर, इस जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। प्यारो कोई भी ऐसी सोच, कोई भी ऐसा बंधन ना रखिए कि ये तो डायबिटीज है, ये तो कैंसर है, ये तो इतनी बड़ी बीमारी है। कोई बीमारी यीशु मसीह के नाम में बड़ी नहीं, नाम के सामने बड़ी नहीं है। वो सारी बातें इस संसार ने हमारे मन में डाली है कि हाँ कैंसर का तो कोई इलाज नहीं है, हाँ डायबिटीज का तो कुछ नहीं हो सकता है, शुगर का कुछ नहीं है। वो संसार ने हमारे मन में डाला है, वो परमेश्वर ने हमारे मन में नहीं डाला है। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ भी आप मेरे नाम से मांगोगे वो आपके जीवन में होगा, जो आप विश्वास रखोगे यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में हो जाएगा। परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखो, इस संसार की बातों के ऊपर नहीं। कहिए जो कुछ भी बीमारी है उसका नाम लेकर कहिए कि हे बीमारी, तुझे मेरे शरीर में कोई अधिकार नहीं है, मेरे हृदय, मेरे मन, मेरी आत्मा, मेरी सोच, मेरे शरीर में तुझे कोई अधिकार नहीं है, निकल जा यीशु मसीह नाजरी के नाम से। आई रिजेक्ट यू, कहिए निकल जा मेरे शरीर में से, मैं तुझे धिक्कार करता हूँ, मैं तुझे निकाल फेंकता हूँ यीशु मसीह नाजरी के नाम से। यदि आपके परिवार का कोई व्यक्ति है, आप कहिए कि मेरे बहन के शरीर में से, मेरे बहन, मेरी मम्मी, मेरे पापा, जो कोई भी आपका आपके रिलेटिव है, उनका नाम लेकर कहिए कि उनके शरीर में से, उनके जीवन में से, उनकी सोच में से, उनके विचार में से उस बीमारी को मैं निकाल फेंकता हूँ। उस बीमारियों के पीछे कार्यरत वो बीमारियां लाने वाली दुष्टात्माओं को हम आदेश देते हैं कि शरीर में से, इस जीवन में से दूर हो जाए यीशु मसीह नाजरी के नाम से। चंगाई यीशु मसीह नाजरी के नाम से, चंगाई बहे यीशु मसीह नाजरी के नाम से। अभी इसी वक्त लोग चंगे हो रहे हैं, अभी इसी वक्त आप कहिए कि मैं चंगा हो रहा हूं। प्रभु का वचन कहता है यशायाह 53:4-5 में कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। वो कल नहीं होगा, वो परसों नहीं होगा, वो आज हो रहा है, इसी वक्त हो रहा है। मैं चंगा हो चुका हूँ यीशु मसीह नाजरी के नाम से। जब आपने यीशु मसीह का नाम पुकारा, जब आपने विश्वास रखा और यीशु का नाम पुकारा, यीशु के नाम में वो सामर्थ है कि उसने आपको चंगा कर दिया है। यीशु के वो कोड़ों में, उस कोड़े खाने में वो ताकत है, वो सामर्थ है कि उसने आपको चंगा कर दिया है। यीशु के लहू में वो सामर्थ है कि उसने आपको चंगा कर दिया है। ऐसी कोई भी बाधाएं, ऐसी कोई भी उलझन, ऐसी कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस, परिवार में यदि किसी के पास जॉब नहीं है, आप कहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मेरे लिए नई जॉब, नया रोजगार, नया बिजनेस मैं मेरे जीवन में आमंत्रित करता हूँ। आई इनवाइट न्यू जॉब इन माय लाइफ। मैं मेरे जीवन में नए बिजनेस को आमंत्रित करता हूँ। मैं मेरी जरूरतों के लिए जो पैसा मुझे चाहिए उस पैसों को मैं मेरे जीवन में आमंत्रित करता हूँ। परमेश्वर की उस फेवर को मैं मेरे जीवन में आमंत्रित करता हूँ। जहां कहीं भी, चाहे आपका बिजनेस कमजोर पड़ा है, कहिए कि प्रभु तेरी फेवर को, तेरे ब्लेसिंग को जो तूने इब्राहिम को दी थी, प्रभु तेरा वचन कहता है कि हम अब्राहम के वंश है, हम तेरे वंश है प्रभु, हम तेरी संतान है प्रभु, और तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु ऐसे कई ग्रह है जो पूरे के पूरे डायमंड है प्रभु, तेरे राज्य में रस्ते भी सोने के है प्रभु, तू राजाओं का और राजा और प्रभुओं का प्रभु है। सारी संपत्ति तेरे पास है, सारी सारी बातें जो हमारे उन छोटी छोटी परेशानियों को दूर कर सकती है प्रभु, उसका जरिया, उसका सोर्स आप हो प्रभु। और आज हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु तेरे फेवर को हमारे जीवनों में रिलीज कर, तेरी ब्लेसिंग को हमारे जीवनों में रिलीज कर। वी रिसीव इट, कहिए कि प्रभु हम तेरी उस फेवर को हमारे जीवनों में रिसीव करते हैं, हम तेरी चंगाई को हमारे जीवनों में रिसीव करते हैं, हम तेरे उस आशीषों को हमारे जीवनों में प्राप्त करते हैं यीशु मसीह नाजरी के नाम से। मांगिए और कहिए, जो कुछ भी आप चाहते हो मांगिए और कहिए, प्रभु आपके लिए करेगा, क्योंकि आपने प्रभु के नाम पे ऊपर विश्वास किया है, प्रभु के वचनों के ऊपर विश्वास किया है। और मैं और आप परमेश्वर की संतान है, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। जो कुछ भी परमेश्वर का है वो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा है। सारी बातें परमेश्वर ने, सारे दान और वरदान परमेश्वर ने हमें दे दिए हैं। विश्वास करिए, यदि आत्मिक दान और वरदान
और परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, परमेश्वर का आत्मा आपको भरेगा। मांगिए कि प्रभु तेरे परमेश्वर का आत्मा प्रभु बहुतायत से सारी बातें, प्रभु यीशु मसीह में एफेसियों की किताब कहती है कि वो सारी बातें हमें मिल चुकी है, प्रभु सिर्फ अभी यही बाकी है कि वो प्रदीप्त हो, वो बाहर आए, वो मैनिफेस्ट हो, इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु वो पवित्र आत्मा के दान और वरदान मेरे जीवन में, सुनने वाले जीवनों में बी मैनिफेस्टेड इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज से, अभी से वो प्रदीप्त होना शुरू हो जाए, शुरू करे यीशु मसीह नाजरी के नाम से। सारी बातें हमारे अंदर, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो सारी बातें हमारे अंदर है, वो सिर्फ बाहर आना बाकी है। विश्वास के साथ रिसीव करिए कि वो सारे दान और वरदान मेरे अंदर है और प्रभु उसको निखारेगा, प्रभु उसको बाहर ला रहा है, प्रभु वो दान और वरदान मुझ में प्रदीप्त कर रहा है। मसीह जो मुझ में है वो महिमा की आशा है, वो ग्लोरी ऑफ गॉड वो हमारे अंदर है, वो सारी महिमा जैसा परमेश्वर है वो हमारे अंदर है, वो सारी बातें प्रकट हो और इस जीवन में परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करे। एक आखिरी सेंटेंस प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरे जीवन का जो उद्देश्य है, मेरे इस जीवन काल में इस पृथ्वी के ऊपर के उस ऊपर का जो जीवन है मेरा, उसमें मैं तेरे उद्देश्य को पूरा करूं, तेरी योजनाओं को मैं मेरे जीवन में पूरा कर पाऊं। प्रभु तेरी आत्मा का सामर्थ्य दे, तेरी आत्मा की अगुवाई दे, तेरे वचनों में मैं बना रहूं, तेरे वचनों में मैं जुड़ा रहूं, ताकि प्रभु तेरा पवित्र आत्मा मुझ में बहुतायत से काम करे और प्रभु मैं तेरे उस उद्देश्य को, उस योजनाओं को मैं मेरे जीवन में पूरा कर सकूं। धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, ये धन्यवाद का समय है। धन्यवाद करे, जो कुछ भी आपने मांगा है वो आपको मिल चुका है। विश्वास के साथ धन्यवाद करे कि प्रभु मैं चंगा हो चुका हूँ तेरा धन्यवाद, प्रभु मैं छुटकारा पाया हूँ तेरा धन्यवाद, प्रभु मैं जो जो मैंने मांगा था, मेरी जरूरतें, मेरे बच्चे की फीस, मेरे घर में जो आमदनी की कमी घटी है, वो आमदनी की कमी घटी उसमें मैंने मांगा है प्रभु मुझे जॉब दे, कहिए कि प्रभु मुझे नई जॉब मिल चुकी है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। कहिए कि प्रभु मुझे नया बिजनेस मिलने वाला है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करूँ। चाहे संसार में कैसी भी परिस्थिति हो, कलीसिया के लिए तो प्रभु सदा आशीषों का समय रहेगा। प्रभु कली तेरे नाम के ऊपर विश्वास करने वाले लोग चाहे परसताओं में से होकर जाए, पर आखिर में तो वो वृद्धि ही लाएगी, वो बहुतायत ही लाएगी। वो सताओ हमारे हमारे ग्रोथ को रोक नहीं सकती है। इस संसार की कोई भी बातें, कोई भी दुष्ट योजनाएं, दुष्ट शैतान और उनकी उनके एजेंट और उनके जितने भी लोग इस संसार में, उनकी कोई भी योजनाएं हमें रोक नहीं सकती है। हम तेरी योजनाओं को पूरा करेंगे प्रभु, और वो हमारे जीवनों में हो रहा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। कहिए धन्यवाद करे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु सारा आदर मान और महिमा सम्मान और सारी जलाल हम आपको देते हैं। ऑल ग्लोरी टू यू ओ लॉर्ड। सारा आदर महिमा और सम्मान और जलाल हम आप ही को देते हैं प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से। प्रभु तेरा नाम हाँ और आमीन है। तेरा नाम, प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरे नाम में सब कुछ संभव है। जो मनुष्य के लिए असंभव है वो पिता परमेश्वर आपके लिए संभव है, और वो सारी बातें मेरे जीवन में हो चुकी है और हो रही है और आने वाले समय में भी होने वाली है, इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम में सब साथ मिलकर कहे आमीन।